बॉलीवुड में डेरा जमाने के लिए। अभी हाल में आलिया भट्ट कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है? बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट, जो हमेशा अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतती आई है, अब हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण के बाद अब आलिया भट्ट हॉलीवुड में अपने पंख उड़ाने के लिए तैयार है। दरअसल बता दे कि आलिया भट्ट ने एक लीडिंग इंटरनेशनल टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी WME के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इस एजेंसी से जुड़ने के बाद आलिया अब हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर अपना फोकस करना चाहती है। बता दे कि आलिया का करियर ग्राफ पिछले कुछ दिनों से काफी ऊपर बढ़ रहा है। एक के बाद एक वह कई हिट फिल्में दे रही है। आलिया ने अब तक 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिए हैं। हाल ही में उन्हें फिल्म गली बॉय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। आलिया के पास अभी कई फिल्में हैं जो रिलीज होने के लिए तैयार है। कुछ दिनों पहले उन्होंने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग खत्म की है, जिसे संजय लीला भंसाली ने बनाया है। गंगूबाई काठियावाड़ी रियल लाइफ पर आधारित फिल्म है। बहुत ही कम उम्र में गंगूबाई को वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया था, लेकिन इसके बाद वह कैसे सेक्स वर्कर्स और बच्चों की भलाई के लिए लड़ी, ये सब फिल्म में दिखाया गया है। इसके अलावा वह ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी, जिसमें अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर लीड रोल में है। फिल्म पहले साल 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर कोविड की वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हो गई। ये एक सुपर हीरो टाइप की फिल्म होने वाली है। डार्लिंग्स में भी आलिया भट्ट नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए वह बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू कर रही है। फिल्म में आलिया के अलावा शेफाली शाह और विजय वर्मा नजर आएंगे। साथ आलिया ने हाल ही में नई फिल्म की अनाउंसमेंट की है। करण जौहर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आलिया के अलावा रणवीर सिंह लीड रोल में होंगे। ये एक अलग लव स्टोरी होने वाली है, जिसमें आलिया, रणवीर के अलावा धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी लीड रोल में होंगी। बॉलीवुड हॉलीवुड के साथ साथ आलिया टॉलीवुड में भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। बता दें, SS राजामौली द्वारा बनाई फिल्म RRR में वो सीता का किरदार निभाने वाली है, जिसमें ये जूनियर NTR के अपोजिट नजर आने वाली है। हालांकि इनका फिल्म में किरदार काफी समय के लिए है, लेकिन फिर भी ये एक अहम किरदार होने वाला है। साथ ही आलिया इस फिल्म में एक गाना भी गाने वाली है, लेकिन छोटा रोल था फिर अहम था, इसलिए RRR का एक स्पिन ऑफ भी होगा, जो होगा आलिया के सीता किरदार पर, और उसका नाम फिलहाल R4 है, लेकिन ये नाम आगे चलकर बदल भी सकता है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं आलिया को तीनों इंडस्ट्री पर राज करते देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में फिल्म में हीरो नजर आने वाला है धांसु लुक में। किसके संग ऑन स्क्रीन रोमांस करते दिखेंगे रामचरण? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं RRR मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। पहली बार साउथ के सुपरस्टार रामचरण बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली संग करने जा रहे हैं एक दमदार फिल्म, और आने वाली इस फिल्म में रामचरण हमें दिख सकते हैं एक नहीं बल्कि दो नए अवतार में। हाल ही में फिल्म जगत में इस बात की जोरदार चर्चा थी कि यंग टाइगर जूनियर NTR SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR में तीन अलग भूमिकाओं में दिखाई देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, तीन चेहरों में। इसे DBV दैन्याय द्वारा DBV एंटरटेनमेंट के बैनर तले बैंकरोल किया जा रहा है। हालांकि RRR के निर्माताओं की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। अब सुनने में आ रहा है कि जूनियर NTR नहीं बल्कि मेगा पावर स्टार रामचरण RRR में तीन अलग अलग गेटअप में नजर आएंगे। क्यों, चौंक गए ना आप भी? 27 मार्च को प्रोडक्शन हाउस DBV एंटरटेनमेंट ने एक वीडियो भीम फॉर राम राजू जारी किया, जिसमें रामचरण को एक सख्त पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया था। उसकी खाकी वर्दी और हेयर स्टाइल इस बात का इशारा देते हैं कि उनकी भूमिका आने वाली पीढ़ी को दर्शाती है। वहीं सुनने में आया है कि इस फिल्म में रामचरण अपने पिछले जन्म में अलूरी सीता रामा राजू के रूप में दिखाई देंगे और फ्यूचर में एक सख्त और दमदार पुलिस वाले के किरदार में।
रामचरण को हम साउथ की कई फिल्मों में पहली बार भी पुलिस के गेटअप में देख चुके हैं, पर आने वाली इस RRR फिल्म में रामचरण एक तंदुरुस्त और नए हेयर स्टाइल के साथ मूछों को ताव देते हुए सिक्स पैक एब्स के साथ काफी जबरदस्त दिखने वाले हैं। दूसरी ओर इस एक्शन ड्रामा फिल्म में रोमांस का तड़का लगाते दिख सकते हैं साउथ के पावर पैक परफॉर्मर रामचरण और बबली आलिया भट्ट। फिल्म की शूटिंग की बात करें तो फिल्म लगभग पूरी हो चुकी है, पर खबर है कि अभी तक फिल्म के दो गाने शूट करना बचा हुआ है। ऐसे में देखना है कि दशहरा के आने से कितने दिन पहले सुनने को मिलती है RRR की गूंज। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप राजामौली के आने वाली RRR फिल्म में रामचरण संग आलिया भट्ट का ऑन स्क्रीन रोमांस देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बने रहें। पूरी करने के बाद टीम किसी विदेशी स्थान पर जाएगी। RRR को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है और RRR बड़े पर्दे पर ही रिलीज होगी। प्रसिद्ध पटकथा लेखक और राजामौली के पिता KV विजयेंद्र प्रसाद ने पहले RRR की लड़ाई के दृश्यों के बारे में खुलासा करने के बाद फिल्म का चारों ओर प्रचार किया, जो बहुत ही टचिंग था। अब संवाद लेखक साई माधव बुर्रा ने निम्नलिखित दृश्य पर और अधिक खुलासा किया है, जो निश्चित रूप से जिज्ञासा को और बढ़ाता है। साई माधव बुर्रा ने RRR के फाइट सीन्स के पीछे के कारण का खुलासा किया, जो एक इंसान को रुला सकता है। लड़ाई के दृश्य का मतलब शाब्दिक रूप से झगड़ा करना नहीं है। RRR का फाइट सीन बहुत ही इमोशनल और यहाँ तक कि फाइट में भी आपको एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो आपको रुला देगी और कहानी को आखिर तक जोड़ कर रखेगी। यही RRR फाइट सीन की महानता है, लेखक कहते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने RRR का एक छोटा सा हिस्सा देखा है और ये एक असाधारण फिल्म है। किसी भी अन्य फिल्म की तरह उन्होंने RRR के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक बड़ी टिकट वाली फिल्म है, तो फिर भी इसके चलने की ज्यादा संभावना है। इस प्रकार व्यक्ति को केवल वही करना चाहिए जो आवश्यक हो और उससे आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, साई माधव बुर्रा कहते हैं। फिल्म में रामचरण अल्लूरी सीतारामा राजू के रूप में दिखाई देंगे और जूनियर NTR आगामी परियोजना में कोमाराम भीम की भूमिका निभा रहे हैं। मूवी यूनिट ने फाइटिंग सीन का एक छोटा सा हिस्सा जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आमतौर पर SS राजामौली अपनी फिल्म से जुड़ी हर बात को सीक्रेट रखते हैं, लेकिन इस बार ये बदला हुआ मामला लगता है और डायरेक्टर यूनिट को नियमित रूप से छोटे अपडेट जारी करने की अनुमति दे रहे हैं और वह भी सीधे वीडियो शूट करके। SS राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म RRR का क्लाइमैक्स बड़े पैमाने पर भावनाओं और जीवन से बड़े एक्शन से भरपूर होने वाला है। हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा फिल्म में भीम के रूप में NTR और रामा राजू रामचरण के रूप में होंगे। दोनों कलाकार फिल्म के मुख्य खलनायक से लड़ने के लिए एक साथ आएंगे। क्लाइमैक्स में ट्विस्ट ये है कि रामा राजू और भीम में से एक की आंखों की रोशनी चली जाती है, जबकि दूसरे पैर की गंभीर चोट के कारण चलने की क्षमता खो देते हैं। इस प्रकार एक दृष्टिहीन होगा और दूसरा शारीरिक रूप से विकलांग होगा। फिर वे विरोधी की चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे? अगर अफवाह सच होती है तो जो आंख की रोशनी खो देता है वह दूसरे को अपने कंधों पर उठाएगा जो चल नहीं सकता। एक दूसरे की मदद से भीम और रामाराजू दोनों ही खलनायक को सफलतापूर्वक हरा देंगे। यह मुकाबला देखने में भीषण और रोमांचकारी होगा। क्लाइमैक्स सीन को बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा है और ये इमोशनल टच देगा। ये भी कहा जा रहा है कि क्लाइमैक्स सीन के सिर्फ एक या दो बड़े सीन्स रोजाना शूट किए जा रहे थे। तो क्या लगता है आपको, क्या RRR के भावुक फाइटिंग सीन्स कर पाएंगे दर्शकों को मोशन पोस्टर में? क्या आने वाली ये फिल्म कर देगी बाकी फिल्मों की छुट्टी? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं RRR मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। राजामौली अपनी 13वीं फिल्म से सभी डायरेक्टर के 12 बजाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने कमर कस ली है और जल्द ही वो अपनी अगली फिल्म RRR रिलीज करने वाले हैं, जो तैयार है सिनेमा घर में एक बार फिर तहलका मचाने को।
पिछली दफा 2017 में डायरेक्टर फिल्म बाहुबली 2 लेकर आए और देश भर में अपनी फिल्म का परचम लहरा दिया। अब कई सालों के बाद राजामौली अपना वही करिश्मा दोहराने के लिए तैयार है। आरआरआर फिल्म की बात करें तो ये फिल्म फ्रीडम फाइटर्स के जीवन पर आधारित है और सच्ची घटना से प्रेरित होकर बनाई जा रही है, जिसमें 1920 के दौरान घटी एक घटना की हिडन स्टोरी को दिखाते नजर आएंगे एसएस राजामौली इस फिल्म में। फिल्म के दोनों ही किरदार अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपनी जंग लड़ते दिखेंगे और कैसे ये दोनों का सामना होता है और कैसे फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती है, ये देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। और जहां इस फिल्म से बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के दिग्गज कलाकार जुड़ रहे हैं, वहीं ब्रिटिश की एक अदाकारा भी इस फिल्म में नजर आएंगी। जी हां, ब्रिटिश एक्ट्रेस डेजी एडगर जोन्स, जो अपने कोल्ड फीट और पॉन्ड लाइफ जैसी फिल्म के लिए जानी जाती हैं, वो इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण के अपोजिट देखी जाएंगी। फिल्म के मोशन रिलीज में दिखा आगा और पानी के बीच लड़ाई का मंजर, जिसमें फिल्म का नाम आरआरआर उभर कर सामने आता दिखा। वही मोशन पोस्टर में जहां कैप्शन लिखा दिखता है, जब विपरीत शक्तियां आग और पानी एक साथ आती हैं तो आपको एक तीव्र ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया गया है कि फिल्म के दो मुख्य किरदार यानी अल्लूरी सीतारमन राजू और कोमराम भीम दोनों में से एक का किरदार आग के अंगारों की तरह होगा और वही दूसरे का ठीक उसका विपरीत एकदम शांत पानी की तरह। पर ये भी याद रखिए कि पानी आग बुझा देती है, आग पानी को भाप बना देता है और जब ये दोनों शक्तियां अपार ऊर्जा के साथ एक हो जाती है और तब मचता है तहलका। ऐसा ही कुछ तहलका मिलकर मचाने वाले हैं जूनियर एनटीआर और रामचरण आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म आरआरआर में। तो देखते हैं आरआरआर में किसका किरदार कितना ज्यादा धमाल मचाता है। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस आग और पानी के किरदार में किसका किरदार देखने के लिए एक्साइटेड हैं। और इसी के साथ हम कब ये रिलीज होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। साउथ सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म है RRR, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। फाइनली इसकी जो रिलीज डेट है उसकी जानकारी सामने आ चुकी है। कुछ दिनों पहले ही फिल्म निर्माताओं ने एक 250 पोस्टर रिलीज कर बताया था कि फिल्म की शूटिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है। सिर्फ दो गानों की शूटिंग बची है, बाकी सब कंप्लीट है। अब सिर्फ फिल्म की डबिंग का काम कुछ बाकी है। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी तेजी से चल रहा है। फिल्म की पूरी शूटिंग इसी साल अगस्त के महीने में खत्म कर दी जाएगी। फिल्म के दो गानों की शूटिंग के लिए आलिया भट्ट और रामचरण जल्दी ही सेट पर लौटेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के इन गानों की शूटिंग 10 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरी रफ्तार से शुरू हो जाएगा। ऐसे में जाहिर है कि फिल्म की रिलीज तारीख को लेकर लोग कयास लगाने लगे हैं। वहीं अब सामने आई ताजा रिपोर्ट की माने तो मेगा स्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म की जो तारीख है वो लगभग तय हो चुकी है और खुद फिल्म निर्देशक के पिता केवी विजेंद्र प्रसाद ने कंफर्म किया कि इस फिल्म को तय वक्त के मुताबिक ही इसी साल दशहरे के मौके पर रिलीज किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सिने दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों, साथ ही सुस्त पड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक रफ्तार का मौका है और RRR कहीं ना कहीं इसे बड़ा पुश देने वाली है। इससे पहले फिल्म निर्माता साफ कर चुके हैं कि इस फिल्म को लेकर वो सिनेमा घर का रुख तभी करेंगे जब देश के जो कोरोना हालात है वो सुधरेंगे, काबू में रहेंगे और सिनेमा घर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। ऐसे में फिल्म की जो आधिकारिक रिलीज डेट है उसका टाइम है वो हमें देखना होगा कि कब ये रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। वहीं आपको बता दें इस फिल्म में आलिया भट्ट होने वाली है, अजय देवगन होने वाले हैं और कहानी एकदम डिफरेंट है। दो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी कहानी आपने कभी बड़े पर्दे पर नहीं देखी। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम, इन्हीं की कहानी दिखाई जाएगी। आप कितना वेट कर रहे हैं? दो दिग्गज कलाकार रामचरण और जूनियर एनटीआर हमेशा कोई ना कोई चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। ये ना सही तो इनकी आने वाली ये फिल्म एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही अपकमिंग ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म में दोनों ही सितारों के किरदार पर से बहुत समय पहले ही पर्दा हट चुका है।
ऐसे में इस साल जल्द रामचरण की एक और बड़ी फिल्म आने वाली है और उस पर से भी पर्दा हटाना तो जरूरी है। इंडियन सिनेमा के मेगा स्टार रामचरण की केरल की बिगेस्ट सोलो फिल्म RC-15 जो इनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है और ये फिल्म RRR के बाद आपको देखने को मिलने वाली है। तो जल्द ही आप रामचरण को दो दो बड़ी फिल्मों में देखने वाले हैं। RRR को जहां बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म के डायरेक्टर राजमौली डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं रामचरण की आने वाली ये एक और फिल्म को भी बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स में से एक SS Shankar जिन्होंने रोबोट और रोबोट 2.0 का डायरेक्शन किया था। RRR में जहां रामचरण के किरदार का नाम सीताराम राजू है, जिसमें वो और कोमाराम भीम एक फ्रीडम फाइटर के किरदार में नजर आएंगे, वहीं RS-15 में रामचरण एक पॉलिटिक्स मूवी होने वाली है जिसमें मास कमर्शियल एलिमेंट्स दिखने वाले हैं। रामचरण के एक्शन के दीवाना तो हर कोई है, ऐसे में एक ही साल में दो दो बड़ी फिल्मों में रामचरण को एक के बाद एक फिल्मों में उनकी एक्टिंग का लुफ्त उठाना सुनकर ही मजा आ गया। जहां RRR में बी टाउन की एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस फिल्म में नजर आएंगी, ऐसी ही आने वाली RS-15 में रामचरण संग बॉलीवुड की एक्ट्रेस कियारा अडवाणी नजर आएंगी। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार जहां अब साउथ की फिल्मों में दिखने लगे हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो, अजय देवगन हो या जॉन इब्राहिम, इन सब कलाकारों के बाद अब बॉलीवुड के भाई जान भी नजर आ सकते हैं साउथ इंडस्ट्री की एक फिल्म में, और वो फिल्म कोई और नहीं आने वाली RS-15 में। जी हाँ, खबर आई है कि RS-15 में सलमान खान को 30 मिनट का सीन में देखा जा सकता है, जिसके लिए अभी मेकर्स बात कर रहे हैं सलमान से। तो देखते हैं कि सलमान खान इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्में OTT आज इस इंडस्ट्री में जानना है इन सवालों का जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनमिता पाठक और तहे दिल से स्वागत करती हूं आपका बलिग्रित स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। दोस्तों, KV विजेंद्र प्रसाद भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने अब तक की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्में दी हैं। वो अब बेटे SS राजमौली की आगामी पीरियड ड्रामा RRR के लिए कमर कस रहे हैं, जिसमें जूनियर NTR और रामचरण प्रमुख भूमिकाओं में अजय देवगन और आलिया भट्ट के साथ हैं। विजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि NTR और चरण को उन किरदारों में कास्ट करना एक सचेत निर्णय था, जो उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी के विपरीत है। उनके अनुसार RRR की सबसे बड़ी USP विशिष्ट रूप से क्यूरेट किए गए एक्शन सीन है। हमने बहुत सारी एक्शन फिल्में देखी हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी लड़ाई देखी है जो आपकी आंखों में आंसू ला दे? विजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि हालांकि स्क्रिप्ट उनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये हमेशा उनके बेटे द्वारा अभिनेताओं को दी जाती है। 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही RRR के आधार के बारे में बात करते हुए लेखक कहते हैं, अजय देवगन हमेशा एक स्वतंत्रता सेनानी के कैरेक्टर के लिए उनकी पहली पसंद थे। हम एक व्यक्ति और एक कलाकार के रूप में अजय देवगन सर को बहुत पसंद करते हैं। लेखक को उम्मीद है कि RRR वो फिल्म होगी जो पूरे देश में सिनेमा व्यवसाय को पुनर्जीवित करेगी। पिछले दशक की शुरुआत में इसका सीक्वल की चर्चा थी, हालांकि प्रसाद ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे पास सीक्वल बनाने का विचार है लेकिन अभी नहीं। विजेंद्र प्रसाद ने पुष्टि की थी कि राजमौली का अगला निर्देशन महेश बाबू के साथ है और उन्हें इंडियाना जोन्स पर एक अफ्रीकी जंगल एडवेंचर बनाने का आइडिया आया है। जब उसी पर अपडेट के लिए कहा गया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यह प्रगति पर है, हम विभिन्न विचारों की खोज कर रहे हैं और उसमें अफ्रीकी जंगल साहसिक कार्य की संभावना है। अभी हम देख रहे हैं कि इसे कैसे लगाया जा सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई दर्शकों को रुला देगी SS राजमौली की RRR? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं, और अगर पसंद आया है ये वीडियो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है, क्या आलिया भट्ट का किरदार होगा स्पिन ऑफ? क्या आलिया भट्ट तैयार है हॉलीवुड में डेरा जमाने के लिए? अभी हाल में आलिया भट्ट कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है? बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट, जो हमेशा अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीती आई है, अब हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण के बाद अब आलिया भट्ट हॉलीवुड में अपने पंख उड़ाने के लिए तैयार है। दरअसल बता दें कि आलिया भट्ट ने एक लीडिंग इंटरनेशनल टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी WME के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इस एजेंसी से जुड़ने के बाद आलिया अब हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर अपना फोकस करना चाहती है। बता दें कि आलिया का करियर ग्राफ पिछले कुछ दिनों से काफी ऊपर बढ़ रहा है, एक के बाद एक वह कई हिट फिल्में दे रही है। आलिया ने अब तक 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिए हैं। हाल ही में उन्हें फिल्म गली बॉय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। आलिया के पास अभी कई फिल्में हैं जो रिलीज होने के लिए तैयार है। कुछ दिनों पहले उन्होंने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग खत्म की है, जिसे संजय लीला भंसाली ने बनाया है। गंगूबाई काठियावाड़ी रियल लाइफ पर आधारित फिल्म है। बहुत ही कम उम्र में गंगूबाई को वैश्यवृत्ति में ढकेल दिया गया था, लेकिन इसके बाद वह कैसे सेक्स वर्कर्स और बच्चों की भलाई के लिए लड़ी, ये सब फिल्म में दिखाया गया है।
इसके अलावा वह ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी, जिसमें अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर लीड रोल में है। फिल्म पहले साल 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर कोविड की वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हो गई। ये एक सुपर हीरो टाइप की फिल्म होने वाली है। डार्लिंग्स में भी आलिया भट्ट नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए वह बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू कर रही है। फिल्म में आलिया के अलावा शेफाली शाह और विजय वर्मा नजर आएंगे। साथ आलिया ने हाल ही में नई फिल्म की अनाउंसमेंट की है। करण जौहर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आलिया के अलावा रणवीर सिंह लीड रोल में होंगे। ये एक अलग लव स्टोरी होने वाली है, जिसमें आलिया, रणवीर के अलावा धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी लीड रोल में होंगी। बॉलीवुड हॉलीवुड के साथ साथ आलिया टॉलीवुड में भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। बता दें, SS राजामौली द्वारा बनाई फिल्म RRR में वो सीता का किरदार निभाने वाली है, जिसमें ये जूनियर NTR के अपोजिट नजर आने वाली है। हालांकि इनका फिल्म में किरदार काफी समय के लिए है, लेकिन फिर भी ये एक अहम किरदार होने वाला है। साथ ही आलिया इस फिल्म में एक गाना भी गाने वाली है, लेकिन छोटा रोल था फिर अहम था, इसलिए RRR का एक स्पिन ऑफ भी होगा, जो होगा आलिया के सीता किरदार पर, और उसका नाम फिलहाल R4 है, लेकिन ये नाम आगे चलकर बदल भी सकता है। तो क्या आप एक्साइटेड है आलिया को तीनों इंडस्ट्री पर राज करते देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हमें लगा दबाना बिल्कुल भूलना, ताकि जगह इसी की खबरें सुनाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ये कहानी किसने लिखी है? क्या है इसे लिखने के पीछे के विचार? अगर आपको ये सब चीजें जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो हम उसके एक्टर्स की प्रशंसा करते हैं, उसके डायरेक्टर की प्रशंसा करते हैं, उसके गानों की और उसे कंपोज करने वालों की भी हम प्रशंसा करते हैं। पर एक ऐसा इंसान हमेशा होता है जिसकी उतनी तारीफ नहीं होती जितनी की जानी चाहिए, जबकि उसका इन सब में एक अहम हिस्सा होता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे राइटर्स की। यही मुख्य किरदार होते हैं हर कहानी के, क्योंकि इन्हीं की कहानी को डायरेक्टर प्रस्तुत करते हैं, इन्हीं के लिखे हुए गाने म्यूजिक कंपोजर्स और डायरेक्टर्स सामने लाते हैं, और इसलिए इनकी और वाह वाह होना जरूरी है। कुछ कुछ लोगों के शब्द मानो जादू जैसे दिल में घर करते हैं। क्या कहानियां है हमारे पास, दृश्यम जैसा सस्पेंस थ्रिलर हो, गोलमाल धमाल जैसे हंसाने वाली फिल्में हो, या फिर कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना कल होना हो जैसे रुलाने वाली फिल्में हो। ये राइटर ही होते हैं जो पूरी कहानी रचते हैं। एक एक शब्द पे ये फिल्म धीरे धीरे रची जाती है। दोस्तों, मुझे तो ये शब्द जादुई लगते हैं। ऐसी और एक अद्भुत कहानी हाल ही में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी इतनी दिलचस्प तरीके से दो पार्ट्स में रिलीज कर दिया गया था। दोस्तों, आप तब तो आपको पता ही चल चुका होगा, मैं बात कर रही हूँ बाहुबली इस फिल्म के बारे में। आपको इसका डायरेक्टर पता होगा SS राजामौली, इसके मेन एक्टर्स भी पता होंगे प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा डग्गुबर, लेकिन क्या आपको इसके राइटर का नाम पता है दोस्तों? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, KV विजयेंद्र प्रसाद है इसके राइटर। आपको बता दूं, ये टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड के भी काफी जाने माने राइटर है। इन्होंने बाहुबली 2 द कंक्लूजन, मैरसल, बाहुबली द बिगिनिंग, बजरंगी भाईजान और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जैसी फिल्में लिखी है, और इतने ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद ये RRR भी लिखने वाले है। और SS राजामौली और विजयेंद्र की जोड़ी ने बाहुबली के रूप में क्या लाजवाब माइलस्टोन हम सभी को दिया है। वैसे ही RRR एक बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है, जिसमें जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन ऐसे जाने माने चेहरे हमें देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फिल्म बाहुबली को टक्कर दे पाएगी, और क्या ये उसके बनाए रिकॉर्ड्स तोड़ेगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे मूवी का विलन कौन है। फिल्म RRR में किन का सिर्फ दो सीन का होगा रोल, और क्या होने जा रहा है तीन इंडस्ट्री का संगम फिल्म RRR से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की एक फ्रेश नए वीडियो में, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बाहुबली फिल्म से सुर्खियों में आए SS राजामौली की आगमी फिल्म RRR की शूटिंग पूरी जा चुकी है। फिल्म RRR की टीम में सभी सदस्यों के लिए ये एक काफी मुश्किल और यादगार पल रहा है। RRR में साथ काम करना एक काफी अच्छा अनुभव था। आज से ठीक एक साल पहले उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, जो अब भारतीय सिनेमा में सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म बन गई है। ये आलिया भट्ट और अजय देवगन के साथ NTR और रामचरण की एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जो कोमा राम भीम और अलूरी सीताराम राजू के महान किरदारों के जीवन को एक काल्पनिक मोड़ देती है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये आता है कि जब सब हीरो हैं तो फिल्म का विलेन कौन है। फिल्म में एक्शन सीन है, लड़ाई है, पर रामचरण और जूनियर NTR लड़ किससे रहे हैं? तो आपको बता दें कि चूंकि एक पीरियड ड्रामा है और यह कुछ कुछ लगान और मंगल पांडे जैसी मूवी की तरह लग सकती है, और क्योंकि साथ ही इसके डायरेक्टर राजामौली हैं, तो फिल्म में एक्शन का तड़का ना हो तो फिर कैसी राजामौली की फिल्म। इसलिए एक्शन को इस फिल्म में कूट कूट कर भरा गया है, जैसे लाल मिर्ची के अचार में मसाला, और इसी मसाले को बरकरार रखने के लिए फिल्म में विलेन को लाया गया है।
तो आपको बता दें कि विलेन के रोल के लिए विलेन को विदेश से एक्सपोर्ट कराया गया है। बता दें टीम ने अभिनेत्री एलिसन डूडी और रे स्टीवेंसन को फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका निभाने के लिए साइन कर लिया है। एलिसन डूडी एक आयरिश अभिनेत्री है जो एवयूटी किल और इंडियाना जोन्स और द लास्ट क्रूजर जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है, जबकि आर स्टीवेंसन थोर और किंग आर्थर के साथ कई अन्य लोकप्रिय टीवी शो में नजर आ चुके हैं। रे स्टीवेंसन फिल्म में एक विलेन का किरदार निभाएंगे। माना जा रहा है रे फिल्म में खतरनाक अंग्रेज की भूमिका अदा करेंगे जो रामचरण और एनटीआर और बाकी कलाकारों पर अत्याचार करते नजर आएंगे और एक इसका साथ ही एलिसन डूडी के साथ रोल करती नजर आएंगी। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें टॉलीवुड बॉलीवुड और हॉलीवुड तीनों के एक्टर शामिल है। मतलब ये है कि पहली बार तीनों सिनेमा एक साथ आ रहे हैं तो फिल्म का बस बढ़ना तो लाजमी है और बस को बनाए रखने के लिए इस फिल्म को कई भाषाओं में डब भी किया जाएगा। लेकिन बस के लिए सिर्फ ये फैक्टर नहीं बल्कि आलिया फिल्म का एक फैक्टर होने वाली है, क्योंकि आलिया बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में से एक है और उनका आरआरआर में सिर्फ दो सीन की बात पर ही फिल्म करने के लिए हाँ कह देना एक अजीब बात है, जिसके आलिया के फैंस देखना चाहते हैं क्योंकि आलिया कभी घाटे का सौदा नहीं किया करती है। अब देखना यह है कि इस बार का किया हुआ सौदा क्या रंग लाता है। वैसे आपको इस फिल्म का कितनी सबरी से इंतजार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा और साथ ही अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम फिर हाजिर होंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी यार फिल्म आरआरआर के किरदार का पोस्टर। कैसे होगी आरआरआर की कहानी, कौन से बॉलीवुड कलाकार नजर आएंगे राजमौली की फिल्म में। नमस्कार दोस्तों, बॉलीगार्ड स्टूडियोज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आरआरआर मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बाहुबली सीरीज की बात सामने आते ही फिल्म बेहतरीन किरदारों के अलावा फिल्म के डायरेक्टर राजमौली का नाम भी जुबान पर आ जाता है और ठीक बाहुबली फिल्म की तरह ही मेगा फिल्म आरआरआर का डायरेक्शन भी राजमौली कर रहे हैं। राजमौली के डायरेक्शन का तो हर कोई दीवाना है ही, वही आने वाली फिल्म आरआरआर से जुड़ी हुई कुछ खुशखबरी भी है। राजमौली ने जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर नए पोस्टर का उद्घाटन किया है। फिल्म में जूनियर एनटीआर कुमारम भीम के किरदार में नजर आएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि किसी के जन्मदिन पर उनका फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। अगर आप पोस्टर देखेंगे तो जूनियर एनटीआर का किरदार कुमारम भीम को ऐसे देखेंगे कि वो अब भाला फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही डायरेक्टर ने जूनियर एनटीआर की बधाई के साथ साथ एक कैप्शन भी शेयर किया जिसमें वो लिखते हैं कि मेरा भीम का दिल सोने जैसा है, लेकिन जब वो विरोध करता है तो वो एक मौजूद और साहसी इंसान की तरह खड़ा रहता है। अब इस कैप्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली फिल्म में जूनियर एनटीआर का किरदार काफी इंटेंस और फाइटिंग से भरपूर होने वाला है, जिसमें वो सख्त दिल के साथ एक नरम स्वभाव के फिल्म भी का किरदार भी निभाएंगे। अगर आपको फिल्म से रिलीज डेट नहीं पता तो ये सुनिए, आने वाली फिल्म दशहरा से 2 दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगी, यानी 13 अक्टूबर 2021 को। वहीं जहां एक तरफ टॉलीवुड इंडस्ट्री बॉलीवुड की तरफ आ रही है तो इसी के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के धमाकेदार कलाकार भी टॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आने वाली फिल्म आरआरआर को ही ले लीजिए, रामचरण और जूनियर एनटीआर के अलावा हिंदी फिल्मों के जबरदस्त कलाकार या यूं कहिए बॉलीवुड के सिंघम और बद्रीनाथ की दुल्हनिया यानी आलिया भट्ट और अजय देवगन इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। आने वाली फिल्म में काफी कुछ देखने को मिलने वाला है जो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ऐसे ही चटपटी और रियल फैक्ट्स सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस फिल्म को लेकर ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर ये भी बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो फायदा है ऐसी फिल्मों का। आरआरआर का कौन सा सीन होगा फॉरेन में शूट?
बॉलीग्राड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज लाई हूं फिल्म RRR से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। बाहुबली फ्रेंचाइजी की अपार सफलता ने उत्तरी बाजारों में कई दक्षिण फिल्मों के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे उन्हें पैन इंडिया रिलीज प्राप्त करने में मदद मिली और दर्शकों को भाषा की बाधा के बिना क्षेत्रीय फिल्मों का आनंद लेने का मौका भी मिला। साहू और KGF जैसी फिल्मों ने कई भाषाओं में रिलीज की मदद से शानदार प्रदर्शन भी किया। हमारे पास आने वाली दक्षिण फिल्मों की एक सूची है जो उसी रणनीति का पालन कर रही है और वो फिल्में हैं पुष्पा, सालार, KGF चैप्टर 2 और RRR। बाहुबली के बाद अब निर्देशकों और फिल्म मेकर्स को एक अच्छा आइडिया आया है। अब जब भी उनको कोई स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो उन्हें महसूस होता है कि ये फिल्म पूरी दुनिया में मशहूर हो सकती है, तो वे उस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज कर देते हैं। ऐसा करने से फिल्म को काफी सारी ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है और ऐसा करने से निर्देशक कई अलग अलग फिल्म में काम कर रहे एक्टर और एक्ट्रेस को एक मजेदार बजट फिल्म के लिए साइन कर लेते हैं। हर भाषा में रिलीज हो रही फिल्म के लिए इंडस्ट्री से एक बड़े एक्टर को फिल्म में ले लिया जाता है और इससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है। कई बार तो दर्शक अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री के अपने फेवरेट स्टार्स को ऐसी फिल्मों के कारण एक ही फिल्म में देख पाते हैं। ऐसा फिल्म हिट होने से पूरी दुनिया में भारत का नाम भी ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ऐसी फिल्में इंग्लिश में भी रिलीज होती हैं। ऐसी ही एक फिल्म राजामौली की RRR भी है। यूक्रेन में RRR के अंतिम स्केड्यूल की योजना बनाई जा रही है। राजामौली ने फिल्म के अंतिम दो गानों में से एक को शूट करने के लिए लोकेशन रे की पूरी कर ली है और एक भव्य महल को अंतिम रूप दिया है। ये एक फुट टैपिंग विजय गान होगा जो देशभक्ति की भावना को जगाएगा। NTR, रामचरण और आलिया सहित प्रोडक्शन यूनिट अगस्त में यूक्रेन के लिए रवाना होगी। दूसरे गाने को हैदराबाद में एक विशेष सेट में शूट किया जाएगा। इस प्रकार RRR के जल्द पूरा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। DVV धन न्याय द्वारा 450 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट में निर्मित फिल्म में अजय देवगन, श्रिया सरन और समुति रिकानी भी प्रमुख भूमिकाएं में हैं। RRR 13 अक्टूबर 2021 को तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और 6 अन्य भारतीय भाषाओं में एक साथ रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो क्या लगता है आपको, क्या लोगों को मजा आएगा RRR को देखने में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और हम फिर हाजिर होंगे आपके पसंदीदा सितारों से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग और मजेदार खबर को लेकर। प्रभावित हुए अल्लूरे, गांधी जी का साथ छोड़िए किस काम में लग गए थे, क्यों थे वो गांधी जी से नाराज। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आलिया भट्ट और रामचरण जैसे सुपरस्टार्स की आने वाली फिल्म RRR का लोगों को कब से इंतजार है, ये तो आप जानते होंगे कि ये फिल्म दो असली क्रांतिकारी के जीवन पर बनी काल्पनिक कहानी है जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी होने वाली है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं अल्लूरी से जुड़ी कुछ बेहद ही खास और अनजानी बातें। हमने आपको बताया था कि अपना सन्यासी जीवन छोड़कर वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आम लोगों को इस आंदोलन में शामिल करना शुरू किया और वो लोगों के मन में से ब्रिटिश सरकार का डर निकालने में सफल रहे। उसी समय वो महात्मा गांधी जी के विचारों से भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हीं की तरह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाने का लो अहिंसा का मार्ग चुना, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहला आदिवासियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें भी आंदोलन से जुड़ने को कहा। वो अपनी पूरी कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक साल होते ही गांधी जी ने वो आंदोलन ही बंद कर दिया। अब फिर वो हुआ जो किसी ने ना सोचा था, वही जो बॉलीवुड की फिल्मों में होता है जब हीरो का दोस्त या करीबी उसे धोखा देता है। अल्लूरी एक बार फिर गांधी जी के फैसले से प्रभावित हुए, हालांकि इस बार दूसरे तरीके में। उन्होंने अब अहिंसा के रास्ते को छोड़ विद्रोह करने का फैसला किया। जी हाँ, वो बागी बन गए और बस किसी भी तरह से अंग्रेजों को देश से निकालने का फैसला किया। देश के बाकी के क्रांतिकारियों संग मिलकर वो भारत के दौरे पर निकले, जिसके दौरान उनकी मुलाकात पृथ्वीराज आजाद से हुई। पृथ्वीराज आजाद ने कैसे लाया अल्लूरी के जीवन में बदलाव, क्या उनसे भी वो चले थे नाराज, आखिरकार कैसे हुई उनकी मुलाकात कोमाराम से, ये सब जानने के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा हमारी अगली वीडियोस का। गौरतलब है कि फिल्म में अल्लूरी का किरदार रामचरण तेजा निभा रहे हैं, जबकि कोमाराम का किरदार रामा राव निभाएंगे। वहीं आलिया भट्ट सीता के किरदार में होंगी, जिन्हें रामचरण के अपोजिट कास्ट किया गया है। फिल्म की शूटिंग जल्द ही एक बार फिर शुरू की जाएगी। हालांकि आलिया ने अपने हिस्से की शूटिंग खत्म कर ली है, जबकि अभी रामचरण और NTR के हिस्से बचे हैं।
क्या आप जानते हैं कि आपने कुछ ही दिनों की शूटिंग के लिए आलिया भट्ट ने 10-12 करोड़ रुपए की पैसे नजर आएंगे अजय देवगन। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉली ग्लैड स्टूडियोज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं RRR मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म मैदान को लेकर न्यूज आ रही है कि अब सिनेमा घरों के अलावा फिल्म को प्राइम वीडियो पर भी दिखाया जाएगा। प्राइम वीडियो ने फिल्म को मोटी रकम दे के खरीद लिया है, पर इस बात को अजय देवगन ने महज एक अफवाह बताते हुए ना कर दिया है। अब ठीक वैसे ही खबरें इस साल की मेगा फिल्म RRR को लेकर भी सामने आई है। 2020 से जहां OTT प्लेटफॉर्म से दबादब इंडिया में बड़ी तेजी से ही चल रहा है, वहीं अब सिनेमा घरों के खुलने की खबर आ रही है कि तो वापस से लोगों और स्टार्स में फिल्मों को थिएटर रिलीज में करा जा सकता है। अभी इस पर कोई ऑफिशियल खामी नहीं आई है, तो देखते हैं कि फिल्म हमें थिएटर के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है या नहीं। SS राजमौली की फिल्म RRR दो तेलुगु आदिवासी नेताओं अल्लूरी सीताराम राजू और बोमराम भीम की कहानी होने वाली है। फिल्म में रामचरण बने हैं सीताराम और जूनियर NTR बोमराम भीम के किरदार में नजर आएंगे। इन दोनों साउथ कलाकार के अलावा बी टाउन के दो कलाकार यानी कि बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन। जी हाँ दोस्तों, RRR जबकि मेगा फिल्म के अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट इस साल कई और फिल्मों का हिस्सा होने वाले हैं। अजय देवगन इस साल सिंगम 3, मैदान, सूर्यवंशम जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। वहीं आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट दिखाई देंगी अपने बॉयफ्रेंड यानी कि रणबीर कपूर के साथ। जी हाँ दोस्तों, रौद्रम रानम रुद्रम यानी कि RRR फिल्म में आलिया भट्ट के किरदार से पहले ही पर्दा उठ चुका है। आने वाली फिल्म RRR में आलिया दिखेंगी सीता के किरदार में, और जब से आलिया का सीता का लुक रिलीज हुआ है तब से इंटरनेट पर आलिया का इस लुक ने धमाल मचा दी है और अजय देवगन इस फिल्म में एक मेंटर के किरदार में दिखेंगे। RRR फिल्म में अपने किरदार की शूटिंग अजय देवगन ने महज 10 दिन में पूरी कर ली थी, जिससे ये पता लगता है कि इस फिल्म में अजय का किरदार ज्यादा समय का नहीं होने वाला है। जी हाँ, अजय इस फिल्म में कैमियो करते दिखाई देंगे। तो देखते हैं, बॉलीवुड में अपने एक्टिंग से सबको चौंका देने वाली आलिया भट्ट अब साउथ इंडस्ट्री में भी अपने सीता के किरदार से चौंका पाती है या नहीं। बॉलीग्राड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। साउथ सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR स्टारर बाहुबली निर्देशक SS राजमौली की मेगा बजट फिल्म RRR की रिलीज डेट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कुछ दिनों पहले ही फिल्म निर्माताओं ने एक धांसू पोस्टर रिलीज कर बताया था कि फिल्म की शूटिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है। सिर्फ दो गानों को छोड़कर शेष फिल्म का शूट पूरा हो गया है। अब सिर्फ फिल्म की डबिंग का कुछ काम बाकी है। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। फिल्म की पूरी शूटिंग इसी साल अगस्त महीने में खत्म कर दी जाएगी। फिल्म के दो गानों की शूटिंग के लिए आलिया भट्ट और रामचरण जल्द ही सेट पर लौटेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के इन गानों की शूटिंग 10 जुलाई से शुरू हो जाने वाली है। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरी रफ्तार से शुरू होगा। ऐसे में जाहिर है कि फिल्म की रिलीज तारीख को लेकर लोग कयास लगाने लगे थे। अब सामने आ रही ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेगा स्टार रामचरण और जूनियर NTR की इस अपकमिंग फिल्म की रिलीज को लेकर चल रहे कयासों पर पक्की जानकारी मिल गई है। खुद फिल्म निर्देशक के पिता KV विजयेंद्र प्रसाद ने कंफर्म किया है कि इस फिल्म को तय वक्त के मुताबिक ही इसी साल दशहरे के मौके पर रिलीज करने की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिने दर्शकों के लिए तो बड़ी खबर होगी ही, साथ ही सुस्त पड़ी फिल्म इंडस्ट्री को RRR की रिलीज एक बड़ा पुश देगी। इससे पहले फिल्म निर्माता साफ कर चुके थे कि इस फिल्म को लेकर वो सिनेमा घर का रुख तभी करेंगे जब देश में कोरोना के हालात काबू में होंगे और सिनेमा घर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। ऐसे में अभी भी हमें फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख का इंतजार रहेगा। RRR जैसी मेगा बजट और मल्टी स्टारर फिल्मों का थिएट्रिकल रिलीज काफी जरूरी होता है, क्योंकि इससे निर्देशक को फिल्म को अलग अलग जगहों पर मिल रहे रिस्पॉन्स के बारे में पता चलता है और कौन सा किरदार लोगों को पसंद आया ये भी थिएटर्स के बाहर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जिससे फिल्म मेकर्स को लोगों की पसंद की जानकारी होती है। ये रिस्पॉन्स जानकर मेकर्स लोगों की पसंद के अनुसार फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना कर पाते हैं और भविष्य में लोगों के मुताबिक एक फिल्म तैयार करते हैं, जबकि OTT प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की असली राय पता नहीं। आते हैं बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण और तेलुगु इंडस्ट्री के यंग टाइगर जूनियर NTR साथ में आने वाले हैं SS राजमौली की फिल्म RRR में नजर। इस खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया है और इतना ही नहीं दोस्तों, अजय देवगन और आलिया भट्ट भी इस फिल्म में साथ में दिखने वाले हैं। दोस्तों रिसेंटली साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने काफी अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस करके दिए हैं। साउथ इंडस्ट्री की क्रिएटिविटी अब पूरे इंडिया में छा गई है और बाहुबली की सक्सेस के बाद SS राजमौली लेकर आ रहे हैं एक और बेहतरीन स्टोरी
जिसका टाइटल है RRR। रामचरण और जूनियर एनटीआर स्पीक में लीड कैरेक्टर्स होने वाले हैं। उनके कैरेक्टर्स होने वाले हैं दो क्रांतिकारियों के जिनका नाम है अल्लूरी सीतारामन राजू और कोमाराम भीम। ये दोनों व्यक्ति सच में आंध्र प्रदेश में रहा करते थे मगर दोनों की लाइफ लाइन अलग थी। तो क्या होता है अगर ये दोनों एक ही टाइम पीरियड में एक साथ रहते? एग्जैक्टली यही दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये फिल्म इस साल रिलीज होने वाली है मगर इस फिल्म की आ सकती है सेकेंड पार्ट भी जो कि आर्थर के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों राजामौली ने बाहुबली फिल्म को भी दो पार्ट से बनाया था और ये फिल्म भी दो पार्ट में ही बताई जा रही है। आर्थर में हम देख सकते हैं देश के काफी सारे मसलों की बात की गई है चाहे वो वुमेन ऑपरेशन हो या फिर कास्ट सिस्टम ऑपरेशन। ये फिल्म काफी सारे एस्पेक्ट्स को हमारे सामने लाके खड़ा करेगी। आर्थर हो सकती है RRR से भी बड़ी और RRR ऑलरेडी बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ रही है। RRR ने सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट से ही 400 करोड़ कमा लिए हैं तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये मूवी कितने बड़े स्केल पर जा सकती है। हालांकि कुछ RRR अभी तक रिलीज नहीं हो पाए हैं लेकिन हम ये कह सकते हैं आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं जल्द ही SS राजमौली की अपकमिंग फिल्म RRR बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। जी हाँ इसकी शूटिंग काफी रैपिड पेस में की जा रही है। महज दो गानों की शूटिंग और बाकी है और अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही इस पिक्चर का रैपअप भी हो जाएगा और इस फिल्म को जल्द ही थिएटर में रिलीज करने की भी तैयारी है। वह कैसे करते हैं प्रोफेशनल तरीके से डायरेक्शन ये कोई SS राजमौली से ही सीखे। RRR बेसिकली 1920 के प्री इंडिपेंडेंस एरा पर बेस्ड है। इस फिल्म में आपको दो क्रांतिकारियों के जीवन की दास्तान देखने को मिलेगी। जी हाँ इस फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल के तौर पर नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस अपकमिंग फिल्म में अजय देवगन भी एक गुरु के कैरेक्टर में दिखेंगे हालांकि उनका रोल काफी छोटा होने वाला है। दूसरी तरफ बात करें आलिया भट्ट की तो वो इस अपकमिंग फिल्म में रामचरण की लव इंटरेस्ट का किरदार निभाने वाली है। RRR के प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो इसका ओवरऑल बजट करीब 350 करोड़ का है। जी हाँ दोस्तों फिल्म का ओवरऑल बजट काफी ज्यादा है इसी वजह से फिल्म के तमाम कास्ट एंड क्रू इस अपकमिंग फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो RRR को 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज करने की तैयारी है। इससे पहले फिल्म का म्यूजिक एल्बम आने वाले दिनों में रिलीज किया जाएगा। RRR को लेकर एक और खबर आ रही है इस अपकमिंग फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करने की तैयारी है। जी हाँ एक तरफ जहाँ RRR रिलीज की जाएगी तो वहीं आने वाले दिनों में इसके सीक्वल पर भी काम शुरू हो सकता है और उसका टाइटल रखा गया है R4। वेल RRR जब अपने प्लानिंग पोजीशन पर थी तब इसकी स्क्रिप्ट साउथ एक्टर महेश बाबू को भी सुनाई गई थी। जी हाँ हालांकि SS राजमौली ने काफी पहले ही डिसाइड कर लिया था कि RRR में वो जूनियर NTR और रामचरण को कास्ट करना चाहते हैं। अब अगर सूत्रों की माने तो RRR के सीक्वल में यानी R4 में महेश बाबू नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक फिल्म यूनिट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है इसके सीक्वल से रिलेटेड तो हमें थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है तभी इस बात पर और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या वाकई में RRR के दूसरे पार्ट यानी R4 को भी रिलीज किया जाएगा और इसकी स्क्रिप्टिंग पर कितना काम। आखिर के स्पिन ऑफ की भी हो रही है शुरुआत साउथ में। अब आखिर क्या होता है ये स्पिन ऑफ और आखिर RRR के किस किरदार का होगा R4 स्पिन ऑफ। दोस्तों बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो या साउथ सीक्वल के साथ ही साथ धीरे धीरे इन सब में स्पिन ऑफ की भी शुरुआत हो रही है। अब वैसे हो सकता है कि आपको स्पिन ऑफ का मतलब ना पता हो तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। हम है ना हम किस लिए बैठे हैं हम बताएंगे आपको क्या है स्पिन ऑफ और R4 में उसका क्या है रिलेशन। अब दोस्तों दरअसल आसान शब्द में बताऊं तो स्पिन ऑफ का मतलब होता है स्टोरी की पुरानी पड़ते खोलना। एज एग्जाम्पल के तौर पर फिल्म बेबी के बाद नाम शबाना स्पिन ऑफ का ही एक शानदार एग्जाम्पल है। जैसे फिल्म बेबी में अक्षय कुमार और तापसी एक मिशन पर जाते हैं और उसको पूरा करते हैं तो वही नाम शबाना फिल्म में दिखाया गया है कि शबाना आखिर कैसे उस टीम का हिस्सा बनती है यानी शबाना का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। अब दोस्तों यही होता है स्पिन ऑफ। अब दोस्तों बता दूं कि बॉलीवुड में स्पिन ऑफ की लिस्ट में एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है कि जोया का भी नाम सामने आ रहा है यानी कि कैटरीना के जोया के किरदार पर फोकस करते हुए अगली फिल्म सामने आ सकती है और साथ ही
हॉलीवुड में स्पिन ऑफ का कल्चर भी काफी पुराना है। दोस्तों एक्स मैन सीरीज को स्पिन ऑफ करने के साथ ही पीछे ले जाया जाता है, जैसे वुल्वरीन या फिर कहीं लॉगन का किरदार एक्स मैन से ही पिक किया गया था। दोस्तों बता दूं आपको कि साथ ही कुछ वक्त पहले रिलीज हुई फिल्म एडवेंचर एंड गेम दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। ये फिल्म भी सीक्वल का ही हिस्सा थी और फिर ये कह सकते हैं कि एडवेंचर्स का आखिरी पार्ट थी। लेकिन दोस्तों एडवेंचर्स के पहले पार्ट से ही हॉलीवुड में लंबे वक्त से सीक्वल्स और स्पिन ऑफ बन रहे हैं। ऐसे में कुछ फिल्मों के नाम आपको बताते हैं जो सुपर हिट साबित भी रहे हैं। तो दोस्तों वो नाम है हैरी पॉटर, ट्रिपल एक्स, 300, घोस्ट राइडर, जीआई जो, एनाबेला, इंसिडियंस, ब्लेड, जुरासिक वर्ल्ड, डेथ रेस, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, हैंडओवर, हल्क, हेलबॉय, फास्ट एंड फ्यूरियस, स्पाइडरमैन, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, टर्मिनेटर, ट्रांसफॉर्मर्स, द कर्स, मैट्रिक्स, सॉ और जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्मी दुनिया में राज करने वाली साउथ इंडस्ट्री की। तो दोस्तों साउथ इंडस्ट्री में भी स्पिन ऑफ की शुरुआत हो रही है फिल्म RRR के स्पिन ऑफ यानी कि R4 से। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, RRR की कहानी का होने जा रहा है स्पिन ऑफ। पर कौन सा किरदार बनेगा स्पिन ऑफ का हिस्सा? दोस्तों बता दूं कि इसमें आलिया के छोटे से किरदार पर बनेगा एक नया पार्ट जो होगा R4। अब दोस्तों इसमें आलिया कैसे बनी रामराजू और कोमराम? बाहुबली सीरीज के डायरेक्टर राजा मौली की अपकमिंग फिल्म RRR को लेकर काफी दिनों से ऐसी खबरें छाई हुई हैं कि ये इस साल रिलीज नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने RRR के मेकर्स की प्लानिंग बिगाड़ कर रख दी, जिस कारण इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। RRR को लेकर आई इस खबर से दर्शक काफी निराश हो गए थे क्योंकि वो इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मीडिया में छा रही ऐसी खबरों पर मेकर्स ने एक पोस्टर के माध्यम से सफाई दी है। इस पोस्टर को रिलीज करते हुए मेकर्स ने साफ कर दिया कि वो अपनी फिल्म को इसी साल दशहरे के मौके पर रिलीज करेंगे। फिल्म का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और जल्दी इसका बचा हुआ काम भी पूरा किया जाएगा। फिल्म के मेकर्स ने पोस्टर को ट्वीट करते हुए फिल्म के दो गानों को छोड़ दिया जाए तो RRR की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म को दो लैंग्वेज में डब भी किया जा चुका है, बची हुई लैंग्वेजेस में भी जल्द ही डबिंग की जाएगी। वेल दोस्तों बात करें पोस्टर की, तो पोस्टर में नजर आ रहे हैं रामचरण और जूनियर NTR, जहां जूनियर NTR ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और वहीं रामचरण पैंट शर्ट में नजर आ रहे हैं। दोनों एक साथ एक ही बुलेट पे बैठकर मस्ती और आनंद ले रहे हैं। वहीं अगर बैकग्राउंड की बात करें तो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके सर पर कुछ सामान है। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई मार्केट का सीन है। वेल RRR के स्टार्स की ट्यूनिंग काफी अच्छी लग रही है। पोस्टर देखकर तो यही लग रहा है कि फिल्म में दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है और देखने में मजा आएगा। जूनियर NTR और रामचरण स्टारर फिल्म RRR पूरे भारत में एक साथ रिलीज होगी। राजामौली की RRR से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि बाहुबली सीरीज के बाद ये उनकी पहली रिलीज है। फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे बॉलीवुड एक्टर्स भी नजर आएंगे। इन दोनों ने भी अपने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। एंड में आपको बताते चले कि दशहरे के मौके पर अजय देवगन की मैदान से ये फिल्म क्लैश करने वाली है, जिसे बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया है। अब कौन कितना आगे जाता है, कौन सी फिल्म बाजी मारेगी और कितनी बड़ी RRR साबित होती है, ये सब कुछ पता चलेगा दशहरे के मौके पर। वेल आपको कैसा लगा ये पोस्टर और कितनी सारी उम्मीदें हैं आप? और KGF 2 नहीं तो कौन सी है वो मूवी जिसने साउथ को चढ़ाया चने के झाड़ पर? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त अन्विता पाठक स्वागत करती हूँ आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। और अगर आपको जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साउथ फिल्मों की दुनिया एक बार फिर दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। साउथ सिनेमा इंडस्ट्री की कई फिल्मों की दोबारा शूटिंग शुरू होने लगी है। बता दें कि इसकी जानकारी फिल्म निर्माता एक के बाद एक अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पटरी पर दोबारा लौटती साउथ सिनेमा की रफ्तार को देख आम लोग भी खुश हैं। इस नए दौर की शूटिंग ने साउथ सिनेमा में एक जान सी भर दी है। अब साउथ का मतलब सिर्फ KGF 2 और RRR ही नहीं रहा है, बल्कि इसके अलावा भी इसमें कई साउथ की फिल्में शामिल हैं। लेकिन शुरुआत तो RRR से ही होगी। फिल्म स्टार रामचरण और जूनियर NTR की फिल्म RRR को लेकर भी बीते दिनों ही मेकर्स ने ऐलान किया है कि फिल्म का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, बस कुछ हिस्सों की डबिंग बाकी है जिसका काम शुरू कर दिया गया है। शाकुंतलम द फैमिली मैन 2 फेम साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी ने भी अपनी फिल्म शाकुंतलम की शूटिंग शुरू कर दी है। द फैमिली मैन 2 ने कैसी जगह बनाई है लोगों के दिलों में तो इससे हर कोई वाकिफ है।
अब बारी आती है मास महाराजा स्टारर रवि तेजा की फिल्म आरटी 68 की, जिसकी शूटिंग भी दोबारा शुरू हो चुकी है। इस फिल्म का मेगा ऐलान करने के साथ ही मेकर्स ने शूटिंग भी शुरू कर दी है। इस दौड़ में थलापति विजय कैसे पीछे रह सकते हैं? बता दें कि पूजा हेगड़े और थलापति विजय स्टारर फिल्म बीस्ट की शूटिंग चेन्नई में हाल ही में दोबारा शुरू हुई है, जहां फिल्म निर्माता एक गाने के शूट के साथ इसकी शुरुआत कर चुके हैं। इसके बाद तमिल फिल्म स्टार साई पल्लवी और नानी स्टारर पीरियड ड्रामा फिल्म श्याम सिंघा रॉय की शूटिंग भी दोबारा शुरू हो चुकी है। अब बारी आती है तमिल फिल्म स्टार सूर्या की, इनकी अगली फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस फिल्म का पहला शेड्यूल मदुरई में शूट हो चुका है, अब दूसरे शेड्यूल के लिए भी फिल्म की टीम कमर कस चुकी है। तो वहीं साउथ सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम का भी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क दोबारा शुरू हो चुका है। इसकी जानकारी एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया के जरिए दी थी। और हाँ, साउथ की रोमांटिक सूची की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है ये फिल्म हमारी राधे श्याम। इसके साथ बता दें कि हॉलीवुड फिल्म निर्माता रूसो ब्रदर्स की नेटफ्लिक्स फिल्म को पूरा करने के बाद एक्टर धनुष ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। धनुष की इस फिल्म की फोटोज बीते दिनों खूब वायरल हुई थी। अब तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को कैसे कोई भूल सकता है? बता दें कि इनकी फिल्म अन्नाथे की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। ये फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन फेज में चल रही है, जिस पर तेजी से मेकर्स ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। तो ये थी कुछ वो फिल्में जिसने साउथ लॉकडाउन में बेजान पड़े मरुस्थल में बारिश का काम किया है, जिसकी वजह से साउथ सिनेमा का ग्राफ एक बार फिर उछलने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है या मात्र ये एक छलावा है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वी बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, आज आपकी फेवरेट और वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज के बारे में और भी खबरें लेंगे। तो दोस्तों, आज इस मूवी की आने वाली सारे इवेंट्स और अपडेट्स के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपकी अवेटेड फिल्म आरआरआर की। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैसे इस मूवी ने अपनी रिलीज से पहले ही ऑडियंस के बीच चर्चा का विषय बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इस फिल्म के बारे में और भी इन डेप्थ खबरें लेकर आए हैं दोस्तों इस फिल्म की आज तक की। तो दोस्तों, फिल्म की आज तक की ताजा खबरें इस फिल्म की रिलीज की गई पोस्टर के बारे में है। इस फिल्म की ऑफिशियल पेज ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर इसी फिल्म के लेटेस्ट अपडेट के लिए एक पोस्टर रिलीज किया, जहां हमें लीड एक्टर्स रामचरण और जूनियर एनटीआर नजर आते। दोस्तों, जहां कुछ फैंस ने इस फिल्म में एक्टर जूनियर एनटीआर का फेस कट आउट कर एक्टर पवन कल्याण का फेस फोटोशॉप कर दिया और सभी को इस पोस्टर को रियलिटी में मानने पर मजबूर कर दिया है दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ एक र्यूमर और मजाक था, लेकिन इस मजाक को भी लोगों ने काफी चर्चा का विषय बना दिया है। तो दोस्तों, अगर फोटोशॉप की बात करें तो सिर्फ इसमें फैंस ही आगे नहीं है, बल्कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी ग्राफिक्स के मामले में कुछ कम नहीं है, जहां इस फिल्म में हमें दोनों एक्टर साथ साथ एक बाइक पर नजर आते हैं। तो दोस्तों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस पोस्टर को करेक्ट करते हुए इस पोस्टर पर हेलमेट डाला। बस दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पेज पर इस फोटोशॉप पोस्टर को पोस्ट करते हुए रोड सेफ्टी रूल्स के लिए लोगों को जागरूक कराया और हेलमेट पहनने की आग्रह किया है दोस्तों, जिसे देख लोग काफी खुश हुए और इस इनिशिएटिव को लोग काफी सराह भी रहे हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, इस फिल्म के पोस्टर रिलीज का मेन मोटो था बेसिकली इस मूवी के स्टार्स के बारे में अपडेट करना दोस्तों, जहां इस फिल्म के मेकर्स ने बताया कि इस फिल्म की सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है एक्सेप्ट दो सॉन्ग्स और की शूटिंग बाकी है दोस्तों। वहीं दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि इस मूवी का कई लैंग्वेजेस में रिलीज की जाएगी, तो दोस्तों मेकर्स ने बताया है कि इस मूवी की डबिंग दो लैंग्वेजेस में कंप्लीट हो चुकी है और अभी इस मूवी की सारी इवेंट्स ऑन टाइम होनी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मेकर्स ने इस फिल्म की शेड्यूल आगे न बढ़ाते हुए अक्टूबर में ही रिलीज करने की पुष्टि की है। तो दोस्तों, घबराना क्या, बस हमारे इंतजार करें ताकि हम आप तक ऐसी ही चटपटी खबरें पहुंचे। दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पिछले काफी समय से डायरेक्टर एसएस राजमौली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म आरआरआर काफी चर्चा में है। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन और श्रिया सरन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। अब फिल्म के मेकर्स ने घोषणा कर दी है कि केवल दो गानों को छोड़कर इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। रामचरण और जूनियर एनटीआर ने दो भाषाओं में फिल्म की डबिंग भी पूरी कर ली है और बाकी की भी जल्द पूरी कर लेंगे। पिछले हफ्ते ही रामचरण और जूनियर एनटीआर ने फिल्म की बची हुई शूटिंग पूरी कर ली थी। फिल्म के मेकर्स ने एक नया पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें जूनियर एनटीआर और रामचरण एक मोटर बाइक पर नजर आ रहे हैं। पोस्टर रिलीज करते हुए पोस्ट में लिखा गया, तेजी से बढ़ते हुए। दो गानों के अलावा हमने शूटिंग पूरी कर दी है। जूनियर एनटीआर और रामचरण ने दो भाषाओं में फिल्म की डबिंग भी पूरी कर दी है। बता दें कि भारी भरकम बजट में बन रही आरआरआर को
इस साल अक्टूबर में रिलीज किया जाना था, मगर कोरोना के चलते इसकी शूटिंग पूरी नहीं हो सकी और अब इसे अगले साल संक्रांति त्योहार के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। फिल्म 1920 के दौर की एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है, जिसमें दो क्रांतिकारियों को दिखाया जाएगा। RRR में आजादी की लड़ाई दिखाई जाएगी और इसमें काफी युद्ध के दृश्य भी दिखाए जाएंगे, जिसे देख लोगों के अंदर देश प्रेम और देश हित के बारे में विचार जरूर आने लगेंगे। कहानी ऐसी होगी कि लोगों को खुद के हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा। रिलीज से पहले उत्तर भारत के थियोरेटिकल राइट्स, सैटेलाइट म्यूजिक और RRR के डिजिटल राइट्स प्रमुख स्टूडियो पैन इंडिया लिमिटेड को बेचे गए हैं। RRR को 2021 की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये भव्य बाहुबली श्रृंखला के बाद SS राजमौली की अगली फिल्म है। इस काल्पनिक कहानी में रामचरण और जूनियर NTR को अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की प्रतिष्ठित भूमिकाओं में देखा जाएगा, जहां उनका लेजेंड बनने से पहले तक का सफर दिखाया जाएगा। फैक्ट सुनने को मिलेंगे और आखिर इस फिल्म के गानों के सिंगर के तौर पर हमें कौन कौन मिलेगा। इस फिल्म का टाइटल एक्सपेंशन क्या है? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूँ आपकी होस्ट श्रुति। आज हम डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म RRR के बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हम हमारे ऑडियंस के लिए इस मूवी के म्यूजिक और इस फिल्म के टाइटल एक्स मार्केटिंग की बात करेंगे। सभी ऑडियंस ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर इस फिल्म में कैसे शानदार ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन इंक्लूड की जाएगी, तो क्या इस फिल्म में अपनी को क्रिएटेड फिल्म बाहुबली की तरह शानदार गाने और म्यूजिक भी होंगे। तो इस बात की पुष्टि करते हुए हम आपको बता दें कि डायरेक्टर राजमौली के रेगुलर कोलैबोरेटर यानी MM किरावनी हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म के म्यूजिक सेशन मार्च 2019 में ही शुरू कर दी गई थी। वहीं सदाला अशोक तेजा को इस फिल्म के प्राइमरी लिरिसिस्ट के तौर पर रखा गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने काम बखूबी से करते हुए इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के लिए 3 सॉन्ग्स का साउंड ट्रैक भी दे दिया है। इतना ही नहीं, 27 मार्च 2020 इस फिल्म की प्रमोशनल टीजर रिलीज की गई थी अंडर द नेम भीम फॉर रामा राजू, जिसे अंडर वेल रिकॉर्ड्स 5 लैंग्वेजेस पर रिलीज की गई थी। वहीं दूसरे प्रमोशनल टीजर टाइटल्ड रामा राजू फॉर भीम के नाम से भी रिलीज की गई थी 2020 में 22 अक्टूबर को। लेकिन जैसा सभी जानते हैं, इस पैंडमिक ने सभी के कामों को ठहराव दे दिया है। बिल्कुल इसका फर्क इस म्यूजिक कॉम्पोजिशन में भी पड़ा, जहां फिल्म की सारी म्यूजिक रिलेटेड वर्क पॉज कर दी गई ड्यू टू COVID-19। न सिर्फ तेलुगु, हिंदी या कन्नड़, बल्कि इस फिल्म के कॉम्पोजर्स इस फिल्म के गानों को इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिलीज करने की तैयारी में लगे हुए थे। मगर जैसा ही इस फिल्म का नाम सभी सुनते हैं, तो सभी के मन में आता है एक सवाल कि आखिर इस मूवी का टाइटल एक्सपेंशन क्या है। तो आपको बता दें कि इस मूवी का टाइटल एक्सपेंशन हर लैंग्वेज में हर तरीके से किया गया है। इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के टाइटल को हर लैंग्वेज में एक्सपेंड किया है, जहां RRR मतलब रौदरम रनम रुधिरम इन तेलुगु, रथतम रनम रौथिरम इन तमिल, रौद्र राना रुधिरा इन कन्नड़, रुधिरम रनम रौदरम इन मलयालम और राइज रॉ रिवोल्ट इन हिंदी। तो आप बताइए, आपको किस वर्जन पर इस फिल्म का टाइटल एक्सपेंशन पसंद आया? हमें पता है आप जरूर इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप तक हर छोटी से बड़ी खबरें पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को लाइक शेयर। आखिर किसने उड़ाया SS राजमौली की RRR का मजाक? कैसा है RRR का नया पोस्टर? इस पोस्टर में मेकर्स ने किस बात का खास ख्याल रखा है? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। SS राजमौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म यानी कि RRR दो गानों को छोड़कर अपनी शूटिंग के साथ लगभग पूरी कर चुकी है। फिल्म की शूटिंग 21 जून को हैदराबाद में फिर से शुरू हुई। मंगलवार को फिल्म के निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म के मुख्य अभिनेताओं यानी कि रामचरण और जूनियर NTR ने दो भाषाओं में डबिंग पूरी कर ली है। इस खबर को साझा करते हुए RRR मूवी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फिल्म का एक पोस्टर लॉन्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मुख्य अभिनेताओं को बाइक पर सवार दिखाया भी गया था, जो इस पल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस और कई अन्य स्टार्स महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। यह एक पीरियड ड्रामा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अलूरी सीताराम राजू के ऊपर एक काल्पनिक कहानी बयां करेगी।
एसएस राजमौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म को डीवीवी दनिया द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, फिल्म को 400 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनाया जा रहा है। एसएस राजमौली की यह फिल्म आरआरआर अक्सर चर्चा में बनी रहती है। इस बार इसके चर्चा में होने की वजह यह है कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने फिल्म के इस पोस्टर का मजाक उड़ाया है। इस वजह से यह फिल्म फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी है। पोस्टर में जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर कोमाराम भीम को मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाया गया है, जबकि रामचरण के कैरेक्टर अल्लूरी सीताराम राजू को उनके पीछे बैठा हुआ दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करते हुए निर्माताओं ने ट्वीट किया है कि राम राजू और भीम। पोस्टर पर साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के रिएक्शन पर हर कोई चर्चा कर रहा है। उनका ट्वीट वायरल हो चुका है। जी हां दोस्तों, साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से मजाकिया ट्वीट पोस्ट करने के लिए जानी जाती है। जी हां दोस्तों, उन्होंने पोस्टर का एक बदला हुआ वर्जन शेयर किया है जिसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर हेलमेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अब यह एकदम सही है, हेलमेट पहने और सुरक्षित रहे। हालांकि निर्माताओं ने इस ट्वीट पर नाराज या फिर सफाई प्रकट करते हुए बजाया खीर भी इस ट्रॉल पर किया। जी हां दोस्तों, उन्होंने जवाब दिया कि अभी भी यह सही नहीं है, नंबर प्लेट गायब है और उनका यह मस्त मौला अंदाज ऑडियंस को बेहद पसंद आया। यह फिल्म इस साल 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन बताया जा रहा है कि निर्माता कोविड-19 के कारण इसे और देरी का रिलीज करने की विचार कर रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा मजाक उड़ाने के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ी है? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल बॉलीवुड। कैसा होगा सुदीपन का आरआरआर में किरदार, आखिर किस अंदाज में दिखेंगे टीजर में अजय? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ। पिछले साल ये घोषणा की गई थी कि सुदीप गन निर्देशक एसएस राजामौली के आगामी पीरियड ड्रामा आरआरआर में कैमियो करेंगे। दोस्तों, फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण को वास्तविक जीवन के भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में दिखाया गया है। 20वीं सदी पर आधारित इस फिल्म में अजय एक राष्ट्रवादी और अपने शुरुआती वर्षों में दोनों के गुरु की भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों, फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अभिनेता ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में करीब 10 दिनों तक शूटिंग की है, जहां उस दौर की दिल्ली को फिर से बनाया गया है। दोस्तों, बता दूं कि राजामौली ने उन्हें अपनी फिल्म मक्खी में श्रद्धांजलि दी और तब से दोनों अच्छे दोस्त हैं। अजय ने निर्देशन के कुछ ही मिनटों में हामी भर दी। हालांकि दोस्तों, ये एक विस्तारित कैमियो है। उनका ट्रैक द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में उनके राष्ट्र पुरस्कार विजेता प्रदर्शन में से एक की याद दिलाएगा और प्रमुखों को शामिल करने वाले नाटक के लिए भी टोन सेट करेगा। तो दोस्तों, फिल्म में आलिया भट्ट भी हैं, जिन्हें अप्रैल में इनकी शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन ने पिछले साल उस पर विराम लगा दिया। वो सीता की भूमिका निभा रही है और जूनियर एनटीआर और रामचरण के बीच वैचारिक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती दिखेंगी हमें आलिया भट्ट। वो फिल्म के लिए तेलुगु भी सीख रही है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि साउथ मेगा स्टार रामचरण इस फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का बजट भी करीब 400 करोड़ रुपए का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। निर्माताओं ने क्लिपिंग साझा की है जो धूल भरी जमीन के दृश्य के साथ शुरू होती है और अजय देवगन दोहराते रहते हैं लोड एंड शूट। दोस्तों, इसके माथे से खून बह रहा है। तो दोस्तों, उनकी आंखें वीडियो में सब कुछ कह रही है। राजामौली ने मोशन पोस्टर को ज्यादा करते हुए लिखा, उन्हें अपने लोगों को सशक्त बनाने से ताकत मिलती है। पेश है आरआरआर फिल्म से अजय देवगन। दोस्तों, एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म आरआरआर का मोशन पोस्टर का अनावरण किया गया है और ये प्रभावशाली है। एसएस राजामौली ने आरआरआर के साथ अपने बाहुबली जीवन से रोबोट 2.0 की तुलना फिल्म आरआरआर से कैसे की जा रही है और एसएस राजामौली की तुलना किस वजह से हॉलीवुड के डायरेक्टर से होने लगी है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए अब पहले फिल्म आरआरआर की कमाई के बारे में बात करें। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है तो कमाई कैसे? तो आपको बता दें कि फिल्म की कमाई सिर्फ टिकट खरीदने या OTT प्लेटफॉर्म से ही नहीं होती, बल्कि फिल्म की कमाई के और भी कई सारे रास्ते होते हैं, जिनमें से कुछ रास्तों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं और कुछ की हम बात अभी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर SS राजामौली बाहुबली सीरीज की सफलता से सातवें आसमान पर हैं और इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म RRR की पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी व्यस्त हैं।
इस फिल्म में रामचरण और जूनियर एनटीआर जैसे कलाकार हैं। बताया जा रहा है कि ट्रिपल आर को भी राजामौली बड़े स्तर पर शूट कर रहे हैं, जिसका इसे अभी से ही फायदा मिलने लगा है। फिल्म ट्रिपल आर के निर्माताओं ने राजामौली के नाम का फायदा उठाते हुए इसके सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स लगभग 132 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। ये किसी भी फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को मिलने वाली सबसे ज्यादा राशि है। इससे पहले ये खिताब रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 के नाम था, जिसने अपने सैटेलाइट और डिजिटल राइट से लगभग 108 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। सीधा मतलब ये है कि फिल्म आरआरआर ने सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो अब आपको बता दें कि राजामौली की ट्रिपल आर ने 2.0 को लगभग 25 करोड़ रुपए से पीछे छोड़ा है। साथ ही डायरेक्टर राजामौली ने अपने 18 साल के लंबे करियर में 11 फिल्मों का डायरेक्शन किया है, जो सभी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई हैं। हालांकि उनकी पिछली 3 रिलीज फिल्में ईगा, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 ने उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर बना दिया है। खास करके बाहुबली सीरीज के बाद उनकी तुलना हॉलीवुड के डायरेक्टर से होने लगी है। यही वजह है कि लोग उनकी फिल्मों को बिना सोचे ही खरीदने को तैयार हो जाते हैं। बात की जाए ट्रिपल आर की, तो इसे डीवीवी एंटरटेनमेंट के तहत बनाया जा रहा है, जिसका बजट लगभग 300 करोड़ रुपए है। फिल्म को राजामौली बहुत ही सावधानी से बना रहे हैं और कोई भी बड़ी जानकारी सामने नहीं आने दे रहे हैं। तो अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि राजामौली की ट्रिपल आर बाहुबली सीरीज जैसा कारोबार कर पाती है या नहीं। आरआरआर की दिलचस्पी लोगों में बनी रहे, इसीलिए डायरेक्टर एसएस राजामौली समय समय पर पोस्टर लोगों के लिए पब्लिश करते ही रहते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या एसएस राजामौली की ये साजिशें सफल रहेंगी? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब इस कब रिलीज होने जा रही है ट्रिपल आर, क्या एक्ट्रेस ने किए दोनों भाषाओं की डबिंग, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। दोस्तों, एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग लगभग पूरी होने वाली है। मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर को शेयर करते हुए रिवील किया है कि फिल्म से सिर्फ 2 गानों की शूटिंग बची है। साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो गया है और फिल्म के प्रमुख सितारे एनटीआर और रामचरण ने तेलुगु और तमिल दोनों में डबिंग कर ली है। वो जल्दी ही अन्य भाषाओं की तरफ रुख करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों कुमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक कहानी ट्रिपल आर को हैदराबाद के स्थानों पर शूट किया गया है, जहां दर्शकों को एक अन्य युग में ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर सेट बनाए गए हैं। आलिया भट्ट, अजय देवगन, ओलिविया मॉरिस सहित अन्य कलाकारों द्वारा अभिनीत फिल्म के सेट पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए काम को पूरा किया जा रहा है। ट्रिपल आर भारत की सबसे बड़ी फिल्म है और इसमें ऐसी स्टार कास्ट है जो सभी भाषाओं से है। ये तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ समेत कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है। डीवी दनैया द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट बैनर के तले निर्मित फिल्म का निर्माण 450 करोड़ रुपए के बड़े बजट पर किया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी बजट की फिल्मों में शामिल है। 10 स्टूडियोज ने पूरे उत्तर भारत में नाट्य वितरण अधिकार प्राप्त किए हैं और सभी भाषाओं के लिए विश्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिक्स और सभी भाषाओं के लिए विश्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिक अधिकार भी खरीदे हैं। पेन मरुधर फिल्म को नॉर्थ टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ट्रिपल आर कोविड परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में स्क्रीन पर दस्तक देने वाली है। हालांकि फिलहाल कोरोना की वजह से रिलीज डेट में बदलाव किया जा सकता है। फिल्म के स्क्रीन राइटर के विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राजामौली ट्रिपल आर में भावनाओं और एक्शन का सम्मिश्रण कर रहे हैं। फिल्म में फाइट सीक्वेंस इंटेंस इमोशंस को लगाएंगे और मुझे यकीन है कि दर्शक इससे हैरान हो जाएंगे। अपनी खुद की फिल्म के बारे में ज्यादा तारीफ करना सही नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये सभी अपेक्षाओं के पार है। पहली बार ट्रिपल आर में स्टंट सीक्वेंस देखते हुए मेरे आंसू छलक गए। नाटक में बहुत दर्द है और ये निश्चित रूप से दर्शकों से कनेक्ट करेगी। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है दोस्तों, जिसमें कि आलिया भट्ट भी आपको नजर आएगी, अजय देवगन होंगे, ओलिया मोरिस होंगी और बहुत ही मेहनत और लगन से ये फिल्म बनाई गई है, जैसे कि राजामौली करते ही हैं। पर्दे पर कुछ अलग ही लेकर आ जाते हैं।
425 करोड़ के इसको बजट में बनाया गया है और अब इसको रिलीज किए जाने का प्लान है। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं ट्रिपल आर का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। हैं आलिया भट्ट और क्या होने वाला है उनका इन फिल्मों में किरदार, आइए इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक यानी कि आलिया भट्ट के बारे में। तो दोस्तों आलिया भट्ट हाल फिलहाल में संजय लीला बंसाली के साथ अपनी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी की कामकाज में जुड़ी हुई है और वह इस मूवी में बेहद ही क्यूट नजर आ रही है। अगर बात करें गंगूबाई काठियावाड़ी के लुक के बारे में तो भले ही आलिया भट्ट इस मूवी में बेहद ही क्यूट नजर आ रही हो, लेकिन उनका किरदार इस फिल्म में एक लेडी डॉन का होने वाला है और ये बात इसलिए साफ है कि अगर वह इस फिल्म की लीड लेडी बनकर इस फिल्म को एक नया आयाम पर ले जाती हैं तो वह खुद को भी सक्सेस की एक नई बुलंदियों तक ले जाएंगी और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। आलिया भट्ट हाल फिलहाल में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और उनके कामकाज की सभी लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं। उनके पास फिलहाल काफी मूवीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उन मूवीज में उनका लेडी डॉन वाले अवतार से लेकर पौराणिक कथाओं की सीता माँ का रूप तक का सारा किरदार जमा है। तो आइए आज के इस वीडियो में ऐसा ही कुछ जानते हैं उनकी अपकमिंग मूवी से जुड़े किरदारों के बारे में। तो दोस्तों आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी कुछ समय पहले ही अपना पहला पोस्टर रिलीज कर चुकी है और उस पोस्टर में आलिया भट्ट बेहद ही खूबसूरत और क्यूट नजर आ रही थी। हालांकि उनका इस फिल्म में लुक काफी बोल्ड और साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग ताकतवर वुमेन का होने वाला है और फिल्म के पोस्टर से तो यही लगता है कि वह ये सारे ही जेस्टर काफी अपीलिंग तरीके से हम लोगों के सामने रखने वाली है। वह इस लुक में काफी ज्यादा ताकतवर यानी कि काफी पावर होल्डिंग लग रही है और साथ ही साथ में हिम्मत साहस तो मानो उनकी आंखों से छलक रहा हो। अब अगर बात करें आलिया भट्ट के करियर के बारे में तो दोस्तों वो उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनके पास फिलहाल उनकी झोली में 5 फिल्में पेंडिंग पड़ी हुई हैं और इस कोरोना काल में ऐसी कई हीरोइन हैं जो कि अपने काम के लिए तरस रही हैं, लेकिन अगर वहीं बात करें आलिया भट्ट के बारे में तो उनके पास ऑलरेडी ही बेहद सारी मूवीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं और जहां पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस समय डूबती नजर आ रही है तो आलिया भट्ट शायद इस इंडस्ट्री को बचाने में थोड़ी सी मदद कर दे अपनी मूवीज के थ्रू। खास बात ये भी है कि कोरोना काल की सेकेंड वेव हिट होने से पहले ही आलिया भट्ट ने अपनी काफी मूवी का पार्ट शूट कर चुका है। अब अगर बात करें आलिया भट्ट की अपकमिंग एक और मूवी के बारे में तो इस कोरोना काल में उन्होंने अपनी मूवी RRR की शूटिंग पूरी भी कर ली है। इस मूवी में वो सीता के रूप में नजर आने वाली है। उनका ये पहला लुक का पोस्टर उनके पिछले जन्मदिन के मौके पर फिल्म के मेकर्स ने रिलीज किया और उन्होंने उस पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा मीट आर सीता इन ऑल हर। जी हाँ दोस्तों, ये कैप्शन उस पोस्टर को और भी खूबसूरत बना देता है। इस पोस्टर के बाद से लोगों को वो काफी पसंद आने लगी और उनका पोस्ट काफी ज्यादा वायरल दिखा सोशल मीडिया पर। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ मूवी को 4 चांद लगाने और भी काफी सारे सितारे नजर आने वाले हैं। जहां फिल्म में साउथ के जूनियर NTR और रामचरण एक काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाते नजर आएंगे, वहीं हमको फिल्म में दूसरी तरफ आलिया भट्ट के साथ अजय देवगन और श्रिया शरण भी नजर आने वाले हैं। अब इस मल्टी स्टारर मूवी को लोग कितना पसंद करते हैं ये बात तो देखने लायक होगी। अगर बात करें फिल्म के रिलीज के बारे में तो फिल्म पहले तो 8 जनवरी 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन शायद कोरोना को ये चीज अच्छी नहीं लगी और इसीलिए फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करके 13 अक्टूबर 2021 किया जा चुका है और ये मूवी रिलीज होने वाली है सिनेमा घरों में। तो ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि कोरोना के बाद सिनेमा घरों में
में लोग इस मूवी को कितना प्यार दे पाते हैं। अब अगर इस फिल्म की लिस्ट को आगे बढ़ाएं तो लिस्ट में अगला नाम धर्मा प्रोडक्शन की मूवी यानी कि करण जौहर की निर्देशित मूवी तख्त का होने वाला है और ये मूवी भी एक मल्टी स्टारर होने वाली है। इस मूवी में आलिया भट्ट के साथ रणबीर, जानवी कपूर, अनिल कपूर, भूमि पेडनेकर जैसे काफी सारे कलाकार नजर आने वाले हैं। और इतना ही नहीं, फिल्म में चार चांद लगाने बेबो भी आने वाली है, तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि लोगों को इस बार ये मल्टी स्टारर मूवी कितनी पसंद आती है। अगर बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में तो दोस्तों ये स्टोरी लाइन काफी सदियों पुरानी होने वाली है। यहाँ ये स्टोरी शाहजहां के दो बेटे यानी कि शिकोह और औरंगजेब की कहानी के आसपास घूमने वाली है। इस फिल्म में अगर बात करें रणबीर के किरदार की तो इस फिल्म में शिकोह के किरदार में नजर आएंगे और उनकी लेडी लव, उनकी ऑफ स्क्रीन लेडी लव भी उनकी ऑन स्क्रीन लेडी लव होने वाली है। यानी कि आलिया भट्ट इस मूवी में नादिरा पन्नू का किरदार निभाती नजर आएंगी जो कि शिकोह की प्रेमिका होने वाली है। वहीं अगर बात करें विकी कौशल के बारे में तो वो इस मूवी में औरंगजेब का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस मूवी की कहानी में एक चीज बहुत ही खासियत तरीके से दिखाई गई है कि उस समय की सबसे महंगी शादी थी शिकोह और नादिरा बन्नो की, जो उस समय में 32 लाख रुपए में की गई थी, जिसमें से 16 लाख रुपए शाहजहां की बेटी जहांआरा ने दिए हुए थे। जी हाँ दोस्तों, और इस चीज को मूवी में काफी खूबसूरती से दिखाया जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट की एक और मूवी के बारे में तो आलिया भट्ट की एक और मूवी है जो काफी समय से होल्ड पर नजर आ रही है। ये मूवी फॉक्स स्टार स्टूडियोज और करण जौहर के प्रोडक्शन तले बनने वाली है, जिसको निर्देशित अयान मुखर्जी करने वाले हैं। ये मूवी ब्रह्मास्त्र है, जिसमें इस बार रणवीर शिवा के अवतार में नजर आएंगे और वहीं अगर बात करें आलिया भट्ट की तो आलिया भट्ट ईशा के रूप में नजर आएंगी, जो माँ पार्वती का ही एक रूप है। तो दोस्तों ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि लोग आलिया भट्ट के इतने सारे कैरेक्टर्स में से कौन से लुक को और कौन से कैरेक्टर को देते हैं ज्यादा प्यार, और कैसी लगेंगी आलिया भट्ट इन पौराणिक कथाओं की लेडी निभाते हुए। तो दोस्तों आपको इनकी कौन सी मूवी का इंतजार सबसे ज्यादा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में 2021 में क्या आलिया की बाकी फिल्में आरआरआर को देंगी मात, क्या खास बातें हैं आलिया के 5 किरदारों को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 5 कहानियां, 5 किरदार, एक एक्टर पूरी कायनात का निर्माण कर सकता है और अगर वो एक्टर आलिया हो तो क्या ही कहने। बता दें बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजमौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। इसमें साउथ सिनेमा के 2 सुपरस्टार्स रामचरण और जूनियर NTR के अलावा अजय देवगन, श्रिया सरन और आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में हैं। RRR 26 जनवरी 2022 को रिपब्लिक डे पे सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें आलिया भट्ट सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं। उनके पिछले जन्मदिन के मौके पर उनका फर्स्ट लुक जारी किया गया था। सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा था #सीता। सीता के ट्रेडिशनल लुक में आलिया काफी सुंदर दिख रही थी। 450 करोड़ के बिग बजट में फिल्म DVV एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। ये 1920 के दशक के क्रांतिकारी और अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की जीवनी पर आधारित होगी। इसके साथ ही आलिया आने वाले सालों में कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगी, जिसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आती है गंगूबाई काठियावाड़ी, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, पद्मावत और रामलीला जैसी फिल्मों को बना चुके फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग मुंबई में पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक लेडी डॉन गंगूबाई के किरदार में नजर आएंगी। गंगूबाई काठियावाड़ी का जिक्र लेखक S. हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में किया गया है। उनका असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। बता दें कि गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली गंगूबाई को छोटी उम्र में ही वैश्यावृत्ति धंधे में धकेल दिया गया। उसके बाद वो गंगूबाई कोठे वाली बन गई। गंगूबाई ने मुश्किलों का सामना कर खुद को इतना मजबूत और निर बनाया कि उनका दबदबा देखकर कोई भी उनसे मुसीबत नहीं मोल लेता। ऐसी कठोर और दबंग महिला का किरदार निभाना क्यूट सी आलिया भट्ट के लिए काफी चुनौती भरा था। अगर वो इसे बखूबी निभा लेती हैं तो कामयाबी के अलग ही शिखर पर होंगी। फिर आता है आलिया का एक अलग किरदार जो वो निभाएंगी फिल्म तख्त में, नादिरा बानो बेगम बनकर।
बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म तख्त को फिलहाल डायरेक्टर करण जौहर ने होल्ड पर रखा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही इसका काम शुरू होगा। इस पीरियड ड्रामा फिल्म में रणवीर सिंह, करीना कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर और अनिल कपूर जैसे बड़े कलाकार होंगे। इस मल्टी स्टारर फिल्म की पटकथा सुमित रॉय ने लिखी है, करण जौहर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म शाहजहां के दो बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब की कहानी है। रणवीर इसमें दारा शिकोह बने हैं और विकी कौशल मुगल शासक औरंगजेब की भूमिका में है। इसमें करीना कपूर औरंगजेब की बड़ी बहन जहां आरा, अनिल कपूर शाहजहां और आलिया भट्ट दारा शिकोह की बीवी नादिरा बानो बेगम के किरदार में है। नादिरा बानो से दारा शिकोह की शादी को मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादी कहा जाता है। इस शादी में उस जमाने में 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसमें से 16 लाख दारा की बड़ी बहन जहां आरा बेगम ने दिए थे। आरआरआर और तख्त के बाद आलिया ब्रह्मास्त्र में ईशा के रूप में नजर आने वाली हैं। बता दें, धर्मा प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के बैनर तले बन रही मल्टी स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र की कहानी और निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं और इसमें अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और मौनी रॉय मुख्य भूमिकाओं में हैं। रणबीर कपूर शिवा, अमिताभ बच्चन ब्रह्मा, नागार्जुन विष्णु, आलिया भट्ट ईशा, मौनी रॉय दमयंती का किरदार निभा रहे हैं। रणबीर का किरदार शिवा भगवान शिव और आलिया का किरदार ईशा माँ पार्वती से प्रेरित है। ईशा पार्वती का दूसरा नाम भी है। इसके साथ ही फिल्म में डिंपल कपाड़िया और प्रतीक बब्बर भी अहम भूमिकाओं में होंगे। इसमें शाहरुख खान भी गेस्ट अपियरेंस कर रहे हैं। फिल्म का संगीत प्रीतम ने तैयार किया है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी लगभग फाइनल हो चुका है और मेकर्स इसे रिलीज करने के सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। पीरियड ड्रामा से अलग आलिया डार्लिंग में अनाम के किरदार में नजर आने वाली हैं। बता दें कि शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन फिल्म डार्लिंग में आलिया भट्ट, शिफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू नजर आएंगे। ये फिल्म एक माँ बेटी की अनोखी कहानी है जो दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश में रोमांस से भरपूर परिस्थितियों से गुजरती है। फिल्म में शिफाली शाह माँ और आलिया भट्ट बेटी के किरदार में है। ये एक डार्क कॉमेडी है जो मुंबई में एक कंजर्वेटिव लोअर मिडिल क्लास के बैकग्राउंड पर आधारित है। इसमें इन दो महिलाओं के सफर को दर्शाया गया है। जसमीत रीन इस फिल्म के साथ फीचर फिल्म निर्देशन में कदम रख रही हैं। इसके साथ ही आलिया भट्ट अपनी कंपनी इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस के साथ बतौर निर्माता अपनी शुरुआत कर रही हैं। परवेज शेख और जसमीत द्वारा लिखित डार्लिंग्स का निर्माण गौरी खान, आलिया भट्ट और गौरव वर्मा कर रहे हैं। ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस की प्रस्तुति है। आलिया भट्ट इन किरदारों में कितनी खरी उतरती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आरआरआर के पोस्टर में उनका जो नाजो अंदाज दिखा है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आलिया आला दर्जे की अभिनेत्री बन चुकी हैं। फिल्म में आलिया का जेस्चर भी काफी अपीलिंग है। बॉलीवुड की वो चुनिंदा एक्ट्रेसेस हैं जिनके पास वर्तमान 5 से अधिक फिल्मों का लाइनअप है, जिसमें से एक फिल्म पूरी हो चुकी है। कोरोना काल में भयंकर आर्थिक नुकसान झेल रहा है फिल्म इंडस्ट्री, उससे आलिया को उम्मीद है। यदि उनकी अपकमिंग फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाती हैं तो इंडस्ट्री का भला होगा। वे सभी निर्माता निर्देशकों को उम्मीद थी कि फिल्मों की शूटिंग बिना रुकावट पूरी की जा सकेगी और इस साल फिल्में रिलीज करना भी संभव हो जाएगा, लेकिन कोरोना की नई लहर ने सारी योजनाएं फेल कर दी। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो एसएस राजामौली की फिल्म भी यानी कि RRR भी अब 2022 तक टल चुकी है, क्योंकि फिल्म की अभी भी काफ़ी शूटिंग बाकी है। RRR को 2021 की सबसे बड़ी रिलीज फिल्म माना जा रहा था, जिसमें कि अजय देवगन, रामचरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। और फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसके टलने की भी खबरें सामने आने लगी है। आपको बता दें, बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने साफ कर दिया है कि इस साल फिल्म का आना असंभव है। रामचरण और जूनियर एनटीआर के हिस्से की काफ़ी शूटिंग भी बाकी है। दोनों सितारे अब तक अन्य फिल्मों को लेकर बिजी थे और प्लानिंग की थी कि जुलाई तक RRR का शूट खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना के कुछ और ही प्लान्स है। वहीं सूत्रों ने बताया कि फिल्म अब 2022 मकर संक्रांति पर रिलीज हो सकती है या उससे भी
आगे चल सकती है, लेकिन इस साल फिल्म का रिलीज होना बहुत मुश्किल लग रहा है। वहीं आपको बता दें ये फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होगी। इसकी रिलीज तारीख की घोषणा के बाद अब तक केवल 5 भाषाओं के थिएटिकल राइट से ही ये फिल्म 348 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑफर दर्ज करा चुकी है। रिलीज से पहले उत्तर भारत थिएटिकल राइट्स, सैटेलाइट म्यूजिक और ट्रिपल आर के डिजिटल राइट्स प्रमुख स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड को बेचे गए हैं। सभी राइट्स को मिलाकर अगर बात करें तो कुल वर्ल्ड वाइड बिजनेस 750 से 800 करोड़ तक का माना जा सकता है। ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा डील साबित हो सकता है। ट्रिपल आर की कहानी काल्पनिक सोच के बारे में है, जहां राजा मौली ने खुलासा किया कि ये एक कल्पना है, जो कि उनकी कल्पना है। एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश उन्होंने की है जो उन्हें वो बना सकती थी जो वो नहीं है। वहीं वो इसे आकार देते हुए दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जैसे कि बाहुबली की कहानी उन्होंने सबको दिखाई थी। फिल्म ट्रिपल आर में दो वास्तविक सेनानियों की काल्पनिक कहानी है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बदलाव लाया, ही कारण है। तो दोस्तों फिल्म का तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि 2022 तक ही ये फिल्म रिलीज़ हो पाएगी। आपको कितना वेट हो रहा है ट्रिपल आर का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल मॉलीग्रास टू। 26 जनवरी कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से रिलीज डेट को 13 अक्टूबर ही कर दिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त कोविड पैंडेमिक की तीसरी लहर पर सब कुछ निर्भर करेगा। RRR भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अलूरी सीताराम के जीवन के ऊपर आधारित फिल्म होने वाली है। अगर शूटिंग के नजरिए से देखें तो फिल्म एकदम सही ट्रैक पर है, क्योंकि वो एकदम कंप्लीट हो चुकी है। बस दो गाने शूट के लिए बाकी है, यानी कि अभी भी फिल्म के पास 3.5 महीने बाकी है और 13 अक्टूबर को रिलीज डेट को चेंज करना RRR के लिए मुश्किल तो नहीं होगा। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के विभिन्न लोकेशंस पे भव्य और विशाल सेटों पर की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार एंटिया जूनियर और रामचरण ने तेलुगु और तमिल भाषाओं में अपनी डबिंग देगा। तब तक के लिए अलविदा। कैसा होगा फिल्म में जूनियर एनटीआर का पूरा किरदार? आलिया की जोड़ी फिल्म में किसके साथ जमने वाली है? आइए इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपके लिखे व्यक्ति बनकर उन्होंने आदिवासियों के लिए निजाम के शासन के खिलाफ जंग छोड़ी और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिससे अंग्रेज़ों के नाक पर दम हो गया और देश को आज़ादी मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई थी और उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ते लड़ते वह शहीद हो गए थे। जूनियर एनटीआर और रामचरण की प्रमुख भूमिकाओं के साथ आरआरआर में रामचरण और आलिया की नई केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। अजय देवगन भी इस फिल्म में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ब्रिटिश अभिनेत्री डेडी एडजर जोश इंस फिल्म के साथ भारतीय फिल्म में अपना डेब्यू करने की कोशिश में है और वह फिल्म में जूनियर एनटीआर। इस फिल्म के द्वारा ऑडियंस तक पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है।
एक इंटरव्यू में जब इस फिल्म के बारे में डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो अपने नए ड्रेस से अभी खाली कैनवस को रंगों से भर देना चाहते हैं जिससे कि ऑडियंस को एक नई सोच और एक नया नजरिया देखने मिले। इतना ही नहीं, यह बात सभी जानते हैं कि उनकी फिल्म बाहुबली ने इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी थी और लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री को भी उतना ही प्यार दिया था जितना कि वो बॉलीवुड को देते हैं। अब इस फिल्म से भी डायरेक्टर की यही उम्मीद है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में चार चांद लगाएगी और उसकी शोभा और बढ़ाएगी। यहाँ तक कि वो ये भी सोचते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल सकती है। ऐसे राजा मौली की यह फिल्म अगले साल 26 जनवरी के मौके पर रिलीज की जाएगी। आप इस फिल्म को अपनी चेक लिस्ट में जरूर रखें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और हम आपको इस फिल्म की सारी छोटी बड़ी खबरें देते रहेंगे। आर को आपस में टकराती नजर आएंगी कुछ समय बाद और हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोई कोई सीन्स मूवीज के ऐसे होते हैं कि उन्हें देखकर आंखें नम हो जाती है, लेकिन हम जैसे लोग जो इसे पहली बार देखते हैं उनके लिए तो ये जायज है, पर इसे लिखने वाले ही अगर रो पड़ते हैं तो दोस्तों सोचिए कितने अलग लेवल से ये स्क्रीन पर दिखा जाएगा। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिन पर हम लोग शर्त लगाकर बता सकते हैं कि इसे देखने वाला इंसान जरूर रोएगा, जैसे कि कल होना हो, बाहुबली में जब अमरेंद्र बाहुबली को मारा गया, कभी अलविदा ना कहना और भी कई। ट्रिपल आर एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है, ये सभी को पता है। इसकी कहानी लिखी है इसके डायरेक्टर SS राजमौली के पिता KV विजयेंद्र प्रसाद ने। उन्हें जब इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि ये फिल्म आपकी अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी, इसमें कोई शक नहीं। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी इतनी जबरदस्त की गई है कि इसे एक्शन सीन्स देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस फिल्म में इतना दर्द है कि ये देखने वाले के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी मुख्यतः दोस्ती पर आधारित होने वाली है। सिद्धार्थ आनंद की हाल ही में एक मूवी आई थी जिसमें मेन लीड ऋतिक और टाइगर श्रॉफ ने किया था और ये पिक्चर काफी हिट हुई थी। क्या होता अगर इसमें जूनियर NTR और रामचरण की जगह टाइगर श्रॉफ को लिया जाता तो? इनकी केमिस्ट्री तो सभी ने देखी है, लेकिन इस फिल्म में उन्हें दिखाकर बॉलीवुड का दर्जा और भी बढ़ जाता। बॉलीवुड अपने में ही मगन रहता है, जब तक वो साउथ या हॉलीवुड के मूवीज में ट्राई नहीं करते हैं तब तक बॉलीवुड की रीच सीमित रहेगी। लेकिन दोस्तों, खुश खबर ये है कि ऋतिक और टाइगर नहीं हुए तो क्या हुआ, इसमें बॉलीवुड से आलिया भट्ट और अजय देवगन को लिया गया है। अब बॉलीवुड के लिए नए दरवाजे खुल गए हैं और ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अब बॉलीवुड को भी कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री को मिली ये बाप बेटे की जोड़ी दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। दोस्तों, आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट। तमाम स्टार्स का डेली अपडेट क्या है? क्या ये स्टार्स फिल्म की शूटिंग में होते हैं लेट? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है या फिर उसके कास्ट से जुड़ा कोई डिटेल आता है तो लोग काफी उत्सुक हो जाते हैं, खास तौर पर उन फिल्मों के लिए जिनके लिए वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। वेल, इस चीज के लिए आपको हमसे बेहतर दोस्त और कोई नहीं मिल सकता। आज हम इस वीडियो में आपके फेवरेट कास्ट के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका डेली अपडेट आखिर क्या होता है। RRR से सभी के दिलों पर राज करने वाले जूनियर NTR हो या फिर रामचरण हो या आलिया भट्ट हो या अजय देवगन, ये तमाम कलाकार ऐसे हैं जिनकी हर खबरें ऑडियंस को जाननी होती है। फिलहाल अपडेट आ रही है रामचरण को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस साल के एंड में रामचरण की दो फिल्में रिलीज होने वाली है, एक तरफ RRR तो दूसरी तरफ उनकी फिल्म आचार्य। दोस्तों, इस फिल्म के लिए रामचरण के तमाम फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।
आचार्य फिल्म में रामचरण के अलावा आपको चिरंजीवी और काजल अग्रवाल भी देखने को मिलेंगे। मेकर्स ने खुद इस बारे में जानकारी दी कि फिल्म की शूटिंग आने वाले दिनों में शुरू होने वाली है। वहीं बात करें रामचरण की अपकमिंग फिल्म आरआरआर की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कोविड-19 के वजह से इस फिल्म की शूटिंग बीच में रुक गई थी, लेकिन अब जब हालात सामान्य हो चुके हैं तो एक बार फिर से आरआरआर की शूटिंग की भी शुरुआत होने वाली है और इसकी जानकारी खुद एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी। आरआरआर के दूसरे कलाकार यानी जूनियर एनटीआर की, तो दोस्तों बीते दिनों उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के मौके पर तमाम फैंस ने उन्हें खूब सारी बधाइयां दी। इसी के साथ फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजमौली ने उनके जन्मदिन के मौके पर ही फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया, जिसमें जूनियर एनटीआर एक बहुत ही प्रभावशाली किरदार में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिलहाल जूनियर एनटीआर अगर किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं तो वो है उनका हेल्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोविड-19 के सेकेंड फेज में जूनियर एनटीआर भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि अब वो ठीक हो चुके हैं होम आइसोलेशन के बाद, अब उनकी रिपोर्ट भी कोविड नेगेटिव आई है। अब बात करें फिल्म की फीमेल लीड यानी आलिया भट्ट की, तो उड़ता पंजाब के 5 साल पूरे होने पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर शेयर किया और फिल्म को पूरा याद किया। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर एक मोटिवेशनल वीडियो भी डाली और अपने फैंस के साथ शेयर किया। आलिया भट्ट के ग्रैंड फादर का बीते दिनों जन्मदिन भी था और उनकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जहां आलिया भट्ट अपने ग्रैंड फादर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आई। दोस्तों ये थी आरआरआर के कास्ट की कुछ डेली अपडेट। आपको अगर ये तमाम अपडेट्स आगे भी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा बस को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो देखेंगे आज हमें इस फिल्म में। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों बाहुबली के निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर इन दिनों चर्चा में है। पिछले दिनों इस फिल्म में अजय देवगन अहम रोल निभाने जा रहे हैं और अब इसकी आधारिक घोषणा भी कर दी गई है। अब दोस्तों इस फिल्म में अभिनेता रामचरण और जूनियर एनटीआर रामाराव लीड रोल में होने वाले हैं। अब दोस्तों बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले निर्देशक एसएस राजामौली अब आरआरआर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अब दोस्तों इससे जुड़ी नई और बड़ी जानकारी ये है कि इसमें फिल्म अभिनेता रामचरण और जूनियर एनटीआर रामाराव के साथ अजय देवगन भी नजर आएंगे। अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है। दोस्तों एसएस राजामौली के निर्देशन में 300 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म का नाम आरआरआर रखा गया है। इस फिल्म के जरिए 2 साउथ सुपरस्टार साथ में नजर आएंगे और दोस्तों फिल्म में रामचरण और जूनियर एनटीआर लीड रोल में होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में अजय देवगन का भी एक अहम रोल होगा और साथ ही वो एक गाने में भी नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों फिल्म आरआरआर को राजामौली, रामचरण और रामाराव जूनियर के हिसाब से ही देखा जा रहा है। अब दोस्तों इस फिल्म को डीवीवी प्रोड्यूस करेंगे। ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा होगा और कहानी 1920 के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी होगी। दोस्तों इसके लिए हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सेट लगाकर शूट किया जा रहा है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म का हाल ही में हैदराबाद में मुहूर्त हुआ है और इस मौके पर बाहुबली प्रभास और राणा दग्गुबाती के अलावा साउथ के कई दिग्गज यहाँ मौजूद दिखे थे। हाल ही में एसएस राजामौली ने स्पष्ट कर दिया है कि बाहुबली का तीसरा भाग नहीं बनेगा। अब दोस्तों कहानी 2 भागों के बाद खत्म हो गई है और अब आगे की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाहुबली ने भारतीय सिनेमा में कमाई के मामले में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इतिहास भी रचा है। दोस्तों इस फिल्म में अजय जूनियर एनटीआर और रामचरण के गुरु के किरदार में नजर आने वाले हैं, जिसे वो एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। दोस्तों जानकारी के अनुसार जहां अजय देवगन जूनियर एनटीआर और रामचरण के गुरु की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, तो वहीं आलिया भट्ट सीता की भूमिका निभाती नजर आएंगी, जिसका रामचरण और जूनियर एनटीआर के बीच वैचारिक लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अब दोस्तों आलिया इस फिल्म में एक मैच्योर भूमिका में नजर आने वाली हैं और आपको बता दूं कि इससे पहले आलिया ने कलंक में भी एक मैच्योर और इंटेंस रोल निभाया था। अब आलिया एक के बाद एक इंटेंस और सीरियस भूमिका निभाने लगी है। आपको बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी में भी वो एक सीरियस रोल में दिखेंगी। तो दोस्तों और वो इसमें कामठीपुरा की एक प्रोस्टिट्यूट की भूमिका में दिखेंगी और दोस्तों ये एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड स्टोरी होने वाली है। दोस्तों बता दूं कि गंगूबाई में आलिया देहाती भाषा में बात करेंगी और वो इसमें गुंडों को गालियां देती भी नजर आएंगी और आरआर में वो सीता की भूमिका में दिखेंगी और उनकी ये भूमिका भी इंटेंस और सीरियस होगी। दोस्तों फिल्म में सीता को काफी सताया भी जाएगा और ये सब कुछ सहती दिखेंगी आलिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि गुरु के रूप में पसंद